राम राज साकार होठे, राम राज साकार होठे, राम राज साकार होठे, कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज साकार हो, कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज साकार होठे, राम राज साकार विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे भाईचारा, गांव गांव की गली गली में मचल उठे भाईचारा, नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा, उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो।
का पार विषमता की खाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की हृदय सिंधु उफ ना जाए राम राज साकार हो राम राज साकार हो चल उठे पुरवाई सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई चार पदार कोकिल कंठों से फूटे श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो राम राज साकार हो कलयुग सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो राम राज हो राम राज Oh,
बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धे गुरुदेव श्री आशुतोष मार्य जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सांचे दरबार की जय। सर्वप्रथम हम उन समस्त भक्त श्रद्धालुओं का, श्रोतागणों का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो प्रभु की इस पावन पुनीत वर्चुअल कथा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ आप सभी की ओर से और अपनी ओर से हम मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धे गुरुदेव श्री आशुतोष मारे जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्या कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, कथा व्यास जी से पूर्व भी भारतवर्ष के अनेक विशिष्ट स्थलों पर यह कथा रस वितरित कर चुकी हैं और आज भी हमें प्रभु की अनन्य लीलाओं से सराबोर कर देने के लिए ये हमारे बीच पधारी हैं। या यूं कहें कि हमें अपने ही संकीर्ण दायरों, अपनी ही मानसिकताओं से ऊपर उठाकर शुद्ध विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान से जोड़ देने के लिए ये हमारे बीच पधार गई हैं। सज्जनों, जानते हैं 1996 में वेस्ट के एक ऑथर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था कॉम्पीटिंग फॉर फ्यूचर। और इस बुक में एक एक्सपेरिमेंट को दर्ज किया गया, द फाइव मंकी एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट ने पांच बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर दिया। उस पिंजरे के बीचों बीच एक बड़ी सी सीढ़ी लगा दी गई और उस सीढ़ी के ऊपर एक बहुत ही फ्रेश सुंदर से केले के गुच्छे को रख दिया गया। अब बंदर और केले से दूर रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जैसे ही उन बंदरों की नजर उस केले के गुच्छे पर पड़ी, उनमें से एक बंदर झट सीढ़ी चढ़कर उन केलों तक पहुंचने का प्रयास करने लगा। पर साइंटिस्ट ने क्या किया, बाकी के बचे हुए बंदरों पर उन्होंने तेज ठंडे पानी की बौछारें कर दी। बस अब बंदरों को समझने में देर नहीं लगी कि यदि हम में से कोई भी इस सीढ़ी पर चढ़कर केलों तक पहुंचने का प्रयास करेगा तो बाकी के बचे हुए बंदरों को तेज ठंडे पानी के बौछारों का आघात सहना पड़ेगा। एंड इमीडिएटली द मंकीज गेव द रिएक्शन। अब जैसे ही उनमें से कोई भी बंदर ऊपर चढ़ने का प्रयास करता, बाकी के बंदर झट पकड़कर उसे नीचे खींच लेते, ऊपर नहीं चढ़ने देते। सभी बंदर धीरे धीरे अपने इस प्रयास में सफल हुए और उन्होंने
उस सीढ़ी पर चढ़कर केले तक पहुंचने के सारे एफर्ट्स, अपने सारे प्रयास खत्म कर दिए। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने उसमें से एक बंदर को बाहर निकाला और एक नए बंदर से उसे रिप्लेस कर दिया, जिसे पानी की बौछारों का अपना खुद का कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब जैसे ही इस नए बंदर की नजर केले के गुच्छे पर पड़ी, तुरंत उसने भी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया केलों तक पहुंचने के लिए। पर बाकी के बंदरों ने क्या किया, उन्होंने उसे नीचे पकड़कर खींच लिया और बहुत मारा। अब इस बंदर को भी समझने में देर नहीं लगी कि सीढ़ी पर चढ़कर केलों तक पहुंचने का मतलब है बाकी के बंदरों से पिटाई खाना, मार खाना। इसलिए उसने भी अपना यह प्रयास रोक दिया, उसने भी सीढ़ी पर चढ़ना बंद कर दिया। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने धीरे धीरे करके उन सारे पुराने बंदरों को नए बंदरों से रिप्लेस कर दिया, जिन्हें पानी की बौछारों का अपना खुद का कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट नन ऑफ द मंकीज ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स टू गेट दोज बनानास। किसी भी बंदर ने ऊपर चढ़कर उन केलों तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया था। क्यों? उन्होंने पुराने बंदरों के एक्सपीरियंस को, जो उनका अनुभव रहा था, उसे बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे अपने ऊपर ढाल लिया, अपने आचरण में ढाल लिया, स्वयं पर अप्लाई कर लिया, लागू कर लिया। सजनों, अब जरा हम सोच कर देखें, क्या अध्यात्म के विषय में हम भी यही कार्य नहीं कर रहे हैं? अध्यात्म के बारे में हमारा अपना खुद का क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है? हम कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना उसकी गहराई में उतरे हैं? बस हमारे फोर फादर्स ने, एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया, जितना बताया, हमने उसे ही बिना सोचे, बिना समझे, अपनी मान्यताओं में, अपने धारणाओं में अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। रीति रिवाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स के रूप में उन्हें अपना लिया और वही करते चले जा रहे हैं। परंतु संत कबीर दास जी कहा करते थे, देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, कि यहां देखा देखी से काम नहीं चलने वाला। यदि सच में शुद्ध अध्यात्म का रंग अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो खुद का एक्सपीरियंस चाहिए, खुद का अनुभव चाहिए, खुद का प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। और सजनों, उसके लिए एक सही दिशा चाहिए। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं हाइजेनबर्ग, वे कहा करते थे कि हमने वेस्ट में एक बहुत बड़े जहाज का निर्माण किया और उस जहाज के भीतर हमने सारी सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लिया। ऐसा कोई पदार्थ नहीं था जो हमने इकट्ठा कर उस जहाज में ना डाल दिया हो। बस हमसे एक चीज छूट गई, कौन सी? कंपास। कंपास यानी वो दिशा सूचक यंत्र जो हमें सही दिशा के बारे में बताता है, वो हमसे छूट गया। इसलिए हमारा जहाज सब कुछ होते हुए भी सही दिशा के बारे में पता नहीं चला पाता था और बार बार रास्ता भटक जाता था। सजनों, यही बात हमारे साथ भी हो रही है। हमने अपनी बहुत सी धारणाएं, बहुत सी मान्यताएं, बहुत से रीति रिवाजों को बहुत कुछ इकट्ठा कर रख लिया है, पर सजनों हमसे भी एक चीज छूट गई और वह है कंपास, यानी ट्रू स्पिरिचुअलिटी। महापुरुषों द्वारा दिखाया गया शुद्ध विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान, वो हमारे हाथ से छूट गया। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो खुद का अनुभव, वो प्रत्यक्ष अनुभूति हमारे हाथ से छूट गई और तभी हमारा जीवन रूपी जहाज भी बार बार दिशा भटक जाता है, बार बार रास्ता भटक जाता है। परंतु सजनों, भक्तजनों, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमें यह 7 दिवसीय वर्चुअल कथा प्राप्त हो रही है। ऐसी कथा जो हमें इसी कंपास को, यानी यही अध्यात्म, शुद्ध विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान हमें प्रदान करने के लिए आई है। ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त कर फिर हमारा ये जीवन रूपी जहाज अपनी दिशा को भटकेगा नहीं, बल्कि अपने गंतव्य को प्राप्त कर जाएगा, अपने ईश्वर से मिलन स्थापित कर जाएगा। इसलिए आइए
प्रभु की ऐसी ही पावन पुनीत कथा का शुभ आरंभ करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं कि हम भी इस संदेश को समझ पाएं, इसे अपने जीवन में धारण कर पाएं। आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करें, परंतु उससे पूर्व हमारे बीच इस कथा के यजमान, मुख्य यजमान, उत्सव यजमान एवं दैनिक यजमान, वे सभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन पूजन शुरू हो चुका है। हम उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके ही सहयोग से यह विशाल 7 दिवसीय कथा, इसका आयोजन संभव हो पाया है। तो आइए आज के मुख्य यजमान जो हैं, वे हैं श्री विष्णु भगवान तायल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती गायत्री तायल जी शक्ति नगर से, श्री सुनील जैन जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती ज्योति जैन जी शालीमार बाग से, श्री प्रवीण गर्ग जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अंजू गर्ग जी गुरुग्राम से, श्री विकास बजाज जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती माला बजाज जी पीतमपुरा से, श्री यशपाल बत्रा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुमन बत्रा जी पीतमपुरा से, श्री अविनाश बिहारी निगम जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अर्चना निगम जी विकासपुरी से, श्री सतीश गुप्ता जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती उषा गुप्ता जी त्रिनगर से, श्री गौरव गुप्ता जी एवं उनकी धर्म पत्नी गरिमा गुप्ता जी सेक्टर 3 रोहिणी से, श्री अतर सिंह लाकड़ा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्याम कौर लाकड़ा जी मुंडका से, श्रीमती शैली जैन जी पीतमपुरा से, श्री विजय कुमार जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सीता देवी जी परवेश नगर मुबारकपुर से, श्री ब्रह्म प्रकाश धवन जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रेखा धवन जी रानीबाग से, श्री राधे श्याम अरोड़ा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रेम अरोड़ा जी सेक्टर 9 रोहिणी से, श्री ब्रिज मोहन गौड़ जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती बबीता गौड़ जी बादली से, श्री रविंद्र गोयल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती आशा गोयल जी सेक्टर 13 रोहिणी से, श्रीमती जयमाला सिंह जी सेक्टर 16 रोहिणी से, श्री राजकुमार गोयल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रजनी गोयल जी पीतमपुरा से। आज के उत्सव यजमान हैं श्री विशु रस्तोगी जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती स्वाति रस्तोगी जी सेक्टर 14 रोहिणी से, श्री अशोक कुमार विज जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती ज्योति विज जी सेक्टर 3 रोहिणी से, लता धीर जी सेक्टर 15 रोहिणी से। और आज के जो दैनिक यजमान हैं वह हैं श्री वीरेंद्र नाथ सिंह मुंडा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सरुलता मुंडा जी सेक्टर 1 रोहिणी से, श्री मनोहर लाल शर्मा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुरेश शर्मा जी सेक्टर 1 रोहिणी से, श्री श्याम नारायण सिंह जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती बिंदा सिंह जी सेक्टर 3 रोहिणी से, श्री मुकेश कुमार जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रेखा जी सेक्टर 6 रोहिणी से, श्री प्रेम स्वरूप जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती किरण वर्मा जी सेक्टर 6 रोहिणी से, श्रीमती राजेंद्र मठारू जी पश्चिम विहार से, श्रीमती नेहा सिंगल जी एवं श्रीमती ज्योति बंसल जी पीतमपुरा से, श्रीमती कमलेश देवी जी सेक्टर 16 रोहिणी से, श्रीमती उषा सिंह जी सेक्टर 19 रोहिणी से, श्री लाम ललित साहू जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रीति साहू जी बुराड़ी से, श्री अभय सिंह जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कलावती देवी जी मंगोलपुरी से। हम इन सभी यजमानों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आइए
अब प्रभु की कथा का शुभारंभ करते हैं और उसके लिए हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष मारे जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र मारे जी की जय, सांचे दरबार की जय। बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, एक बार पुनः दिव्य धाम के इस दिव्य प्रांगण से इस दिव्य कथा के मध्य हम आप सभी कृष्ण अनुरागियों का, प्रभु के पिपासुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि भगवान की ये पावन पुनीत कथा आपके हृदय पात्र को प्रभु की लीलाओं से, उन लीलाओं में छिपे सार से अवश्य लबालब भरता हुआ आप उसे पाएंगे। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर गए और उन्होंने श्री राम का परिचय उनसे पूछा। भगवान श्री राम ने बड़े ही सहज भाव से बता दिया कि मैं दशरथ नंदन राम हूं। क्योंकि तपस्वी के वेश में थे इसलिए अपना परिचय देना पड़ा। उसके बाद भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि मैंने अपना चरित्र तो बता दिया, हे ब्राह्मण देव, अब आप अपनी कथा सुनाइए।
हनुमान जी ने अपने प्रभु को पहचान लिया था, इसलिए अब दोनों हाथ जोड़ लिए कहने लगे, प्रभु मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मैं तो मंद बुद्धि हूँ, अज्ञानता से ग्रसित हूँ। हम जैसे सांसारिक जीवों की कथा कैसे हो सकती है प्रभु, हमारी तो व्यथा है व्यथा, और इस व्यथा को यदि कोई दूर कर सकता है तो वो केवल मात्र आपकी कथा है। इस व्यथित मन को यदि कोई शांत कर सकता है तो वो केवल मात्र आपकी कथा है प्रभु, आपकी कथा। सच कहा, मानव के व्यथित मन को शांत करने आई है यह कथा। जीवन में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं शांति का अनुभव नहीं होता। उस अशांत मन को शांत करने आई है यह कथा। आओ इस कथा के सागर में हम भी डूब जाएं और जितने भी मणि माणिक्य वहां छिपे हैं उन्हें अपने जीवन में उतार लें, उन्हें अपने जीवन में प्राप्त कर लें। जिस प्रकार परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में बैठकर इस कथा को सुन रहा है और अपने जीवन के हर एक प्रश्न के गुत्थी को सुलझाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। परीक्षित का जन्म जिसके द्वारा संपन्न हुआ, अर्थात जिसकी वो संतान थी अभिमन्यु और उत्तरा। आज हम इस कथा का आरंभ करना चाहेंगे शूरवीर अभिमन्यु की गाथा से। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है और गुणों में अर्जुन के समतुल्य है। इतना विवेकवान है, शूरवीर है, दया से भरा हुआ धर्म परायण है। उसके गुण इतने हैं कि उंगली के पोर कम पड़ जाएंगे, लेकिन अभिमन्यु के गुणों को आप गिन नहीं सकते। महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका है, 12 दिन युद्ध पूर्ण हो चुका है और अभिमन्यु के शौर्य से सभी कौरव परिचित हो चुके हैं। आज अभिमन्यु ने कौरवों को इस प्रकार पछाड़ा है कि सभी दुष्ट कौरव, आज उन्होंने रात्रि में एक सभा बुलाई। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से कहा, हमें एक ऐसा षड्यंत्र रचना होगा जिसके मध्य हम उस अभिमन्यु को मृत्यु दे सकें। द्रोणाचार्य ने कहा, चिंता मत करो, कल ही मैं ऐसे चक्रव्यूह की रचना करूंगा, लेकिन उससे पूर्व हमें अर्जुन को उस युद्ध भूमि से दूर ले जाना होगा। षड्यंत्र रचा गया। अगला दिन चढ़ आया। युद्ध के बहाने युद्ध करते करते एक राजा अर्जुन को युद्ध भूमि से बहुत दूर ले गया और आज देखते ही देखते द्रोणाचार्य ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसके अंदर या तो अर्जुन प्रवेश कर सकता था या अभिमन्यु। जैसे ही सैनिक यानी पांडवों के सैनिक उसमें प्रवेश करने लगते, वे सब मृत्यु को प्राप्त होने लगे। युधिष्ठिर ने देखा तो बड़े परेशान हो गए। तभी अपने रथ में सवार हुआ अभिमन्यु वहां आया। अपने तात श्री को इस प्रकार दुखी और व्यथित देखा, कहने लगे, क्या हुआ तात श्री? युधिष्ठिर ने कहा, देख रहे हो किस प्रकार द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है और मुझे तो कहीं अर्जुन भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, और देखो हमारे सैनिक किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यह सुनना था कि अभिमन्यु ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, तात श्री आज्ञा दीजिए कि मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाऊं। युधिष्ठिर ने सुना, कहने लगे, नहीं, एक बार पहले भी मैं अपने भाइयों, अपनी पत्नी, अपने साम्राज्य को दाव पर लगा चुका हूं, ऐसा दुस्साहस कर चुका हूं, लेकिन आज अपने पुत्र के प्राणों को दाव पर लगाने का दुस्साहस मैं कदापि नहीं करूंगा और मैं तुम्हें आज्ञा कदापि नहीं दूंगा। अभिमन्यु ने कहा, ताजश्री, मेरे पक्ष के सभी सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा योद्धा होने का क्या लाभ, मैं अपने सैनिकों की रक्षा नहीं कर पा रहा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा और आप अपनी सेना को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाइएगा। आप जानते हैं कि यह युद्ध केवल माता द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए नहीं रचा गया। कौरवों ने आपके साथ जो अन्याय किया है उसका प्रतिकार लेने के लिए इस युद्ध की रचना नहीं हुई है। यह महाभारत युद्ध तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है और धर्म की स्थापना के लिए अगर वीरों को अपने प्राण आहुति भी देनी पड़े तो भी कम है। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए ताजश्री, जिस प्रकार पतंगा जलते हुए दीपक पर जाता है और प्राणों को न्योछावर कर देता है,
ये अभिमन्यु भी इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देगा, लेकिन अपने सैनिकों को इस प्रकार मृत्यु का ग्रास बनते नहीं देख पाएगा। अभिमन्यु का शौर्य देखा, उसकी प्रार्थना को सुना, युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी और उसी समय उसी क्षण विलंब ना करते हुए अभिमन्यु अपने रथ पर आरूढ़ है और चक्रव्यूह को भेदने के लिए आगे बढ़ गया। अभिमन्यु को आते देख, अर्जुन पुत्र को आते देख, जो युद्ध भूमि में सभी सैनिक उस चक्रव्यूह की रचना किए खड़े थे, वे सब सिंह नाद करने लगे, ललकारने लगे, गर्जना भरे स्वर निकालने लगे, आओ अर्जुन पुत्र हमसे युद्ध करो। कभी कोई अर्जुन पुत्र को बुला रहा है, कभी कोई अर्जुन पुत्र को बुला रहा है, और अभिमन्यु जैसे यमराज मानव को मृत्यु देते हुए आगे बढ़ते हैं, बालक अभिमन्यु भी, वो योद्धा अभिमन्यु भी सभी सैनिकों को परास्त करते हुए आगे बढ़ता चला गया। जैसे यज्ञ भूमि में वेदी पर कुश बिछाए जाते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु विरोधी पक्ष के सैनिकों के शरीरों को उस युद्ध भूमि में पाटता चला गया। जैसे हमारे भगवान रुद्र ने असुरों की सेना को मत डाला था, उसी प्रकार आज इस परम तेजस्वी अभिमन्यु ने सभी सैनिकों को परास्त कर दिया और चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया। सैनिक कांपने लगे, उनकी त्वचा में पसीना हो आया, नेत्र चंचल हो उठे, मुख पर पसीना आया, और आज इतना भी उनमें बल नहीं, इतनी भी शक्ति नहीं कि पलकें उठाकर उस योद्धा को देख पाएं, इधर उधर भागने लगे। चक्रव्यूह को भेद कर अब जो अभिमन्यु है वो सभी महारथियों के बीच जाकर खड़ा हो गया। इधर दूसरी ओर इससे पूर्व युधिष्ठिर और बाकी पांडव सेना को संग लेकर चक्रव्यूह में प्रवेश करते, सिंधु नरेश जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया। भगवान शिव का आशीर्वाद था कि एक दिन युद्ध भूमि में तुम पांडवों को रोक पाओगे, और आज वो जो वरदान था सफल हो गया। कोई भी पांडव अभिमन्यु के पीछे जा नहीं पाया। अभिमन्यु अकेला छह महारथियों के बीच खड़ा था। दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण। जैसे ही अभिमन्यु उनके मध्य पहुंचा, अश्वत्थामा ने कहा, देख रहे हो कैसे एक चूहा आज हाथियों के दल के बीच खड़ा है। अभिमन्यु ने सुना, कहने लगे, अरे एक चूहे को पराजित करने के लिए इतने सारे हाथी आए हैं। अश्वत्थामा कुपित हो गया, कहने लगा, बालक जितना अपमान करोगे मृत्यु उतनी ही कष्टदायी होगी। अभिमन्यु ने भी गर्व से भरकर कहा, मैं वो अभिमन्यु हूँ, वो अर्जुन पुत्र हूँ जिसे मृत्यु का भय नहीं। आज ये मृत्यु भी मेरे बाणों के तेज को सहेगी, और जब तक इस अभिमन्यु के हृदय में प्राण है, जब तक इसकी श्वासें चल रही हैं, ये अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेगा, आपसे युद्ध करेगा। दुर्योधन सुन रहा था, कहने लगा, कर्ण इसे इसी समय रथ विहीन कर दो। कर्ण ने सुना, कहने लगे, नहीं मित्र, ये तो अनीति होगी। इससे पहले दुर्योधन कुछ कहता, अभिमन्यु ने कहा, रुकिए महारथी कर्ण, रुकिए, नीति की बातें किससे कर रहे हैं, दुर्योधन से? अरे प्रपितामह भीष्म भी नीति का पाठ सिखाते सिखाते चले गए, अगर इन्हें नीति का ज्ञान होता तो आज ये युद्ध ना होता। दुर्योधन ने सुना, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया, अपने मित्र कर्ण से कहा, अपने बाण निकालो और अभी इसी समय इस आतताई का वध कर दो। ये कोई योद्धा नहीं है, ये उन भगोड़े पांडवों का विषैला रक्त है, रक्त, और आज इसकी देह से रक्त की एक एक बूंद बह जानी चाहिए। मित्र कर्ण उठाओ धनुष और इसी समय इसे पराजित कर दो। मित्र कर्ण ने धनुष बाण उठाया और देखते ही देखते अभिमन्यु को रथ विहीन कर दिया, धनुष और बाण विहीन कर दिया। अभी भी अभिमन्यु ने हार नहीं स्वीकार की, रथ चक्र को हाथ में लिया और चल पड़ा उन कौरवों से युद्ध करने। लेकिन कर्ण के तीर आज रुकने का नाम नहीं ले रहे, उसने अपने तीरों से आज अभिमन्यु की देह को छलनी कर दिया और अभिमन्यु धरा पर गिर गया। दुर्योधन अपने रथ से नीचे उतर कर आया, कहने लगा, बालक
भिक्षा मांग लो मुझसे। अभिमन्यु ने कहा, मैं और तुम आतताई से भिक्षा मांग लो? नहीं, मैं तो स्वयं मृत्यु का वरण करूंगा। इस अभिमन्यु को मृत्यु का भय नहीं है। युधिष्ठिर, बाकी सभी पांडव प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन पराजित हैं, बंधे हुए हैं उस जयद्रथ की सीमा में, चाह कर भी अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर पा रहे। युधिष्ठिर ने दूर से आवाज लगाई, अभिमन्यु वापिस लौटाओ। लेकिन अब अभिमन्यु धरा पर गिर चुका था, वापिस लौट नहीं सकता था। अभिमन्यु ने वहीं से आवाज दी, ताजश्री, मेरी माता द्रौपदी से कहिएगा कि अपनी आखिरी श्वास तक उनके पुत्र ने उनके अपमान का प्रतिकार लिया है। मेरे मामा श्री कृष्ण से कहिएगा कि आज उनके भांजे ने इस युद्ध भूमि में ऐसा शौर्य दिखाया है जिसकी अपेक्षा उन्हें अभिमन्यु से थी। मेरे पिताश्री से कहिएगा कि इस युद्ध भूमि में आज किसी को भी अर्जुन की कमी का अनुभव नहीं हुआ। उनके पुत्र ने ऐसा युद्ध आज इस युद्ध भूमि में लड़ा है। और मेरी पत्नी उत्तरा से कहिएगा कि अब हमारी संतान को सुनाने के लिए उसके पास एक शौर्य गाथा है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। उसी समय वीर अभिमन्यु ने मृत्यु का आवाहन किया कि हे मृत्यु, आज मैं तुम्हारे द्वार आया हूँ, आओ और मेरा वरण कर लो। मृत्यु ने आकर अभिमन्यु का वरण किया। अभिमन्यु के नेत्र मुंद गए। एक अविस्मरणीय अद्वितीय घटना आज उस युद्ध भूमि में घटित हो चुकी थी। यो तो अभिमन्यु पराजित हुआ है, लेकिन पराजित होकर भी विजय श्री का वरण किया है उसने। ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम उसने युद्ध भूमि में दिखाया जो भारत के इतिहास में एक अमिट गाथा बन चुका है। आओ, ऐसे शूर वीर की गाथा जिसे आज हम सुन रहे हैं, जिसने युद्ध भूमि में ऐसा शौर्य दिखाया है, ऐसी शूर वीरता का प्रदर्शन किया है, आओ ऐसे वीर योद्धा को प्रणाम करते हैं। बोलिए, शूर वीर अभिमन्यु की जय। शूर वीर अभिमन्यु की जय। शूर वीर अभिमन्यु की जय। तलवार थी, तीर की ललकार थी, सिंह बन दहाड़ा था रणभूमि में, वो भीषण हुंकार थी। भारती तलवार थी, तीर की ललकार थी, सिंह बन दहाड़ा था भीषण हुंकार थी। भारती तलवार थी, तीर की ललकार थी, धर्म के लिए ध्वजा, विजय का तिलक सजा, मृत्यु को भी गर्व हो यूं जीवन तजा, युगो युगो गाएगी गाथा सारी प्रजा। अभिमन्यु अभिमन्यु शूरवीर, अभिमन्यु 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 शूरवीर, अभिमन्यु अभिमन्यु महायोद्धा, अभिमन्यु 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 शूरवीर, अभिमन्यु अभिमन्यु शूरवीर, अभिमन्यु 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 शूरवीर, अभिमन्यु अभिमन्यु महायोद्धा, अभिमन्यु 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 शूरवीर। श्रेष्ठ धन
इन सद्गुणों का वरण। निर्भय साहस भरा जिससे शत्रु डरा, संकल्प से उसके आओ सीखे जरा। निर्भय साहस भरा जिससे शत्रु डरा, संकल्प से उसके आओ सीखे जरा। निर्भय साहस भरा जिससे शत्रु डरा, संकल्प से उसके आओ सीखे जरा। धर्म के लिए ध्वजा, विजय का तिलक सजा। सारी प्रजा अभिमन्यु अभिमन्यु शूरवीर, अभिमन्यु 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 शूरवीर, अभिमन्यु अभिमन्यु महायोद्धा, अभिमन्यु 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 शूरवीर, शूरवीर, अभिमन्यु अभिमन्यु शूरवीर, अभिमन्यु 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 शूरवीर, अभिमन्यु अभिमन्यु महायोद्धा, अभिमन्यु 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 शूरवीर, ऐसा शूरवीर जिसने अपने माता और पिता दोनों के कुलों को गौरव प्रदान किया, एक ऐसा शूरवीर जिसने स्वयं मृत्यु का वरण किया, जिसने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जो भारत के इतिहास में अमिट घटना बन गई, ऐसे धर्मवीर की गाथा को आज हमने सुना है। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी संतान भी अभिमन्यु जैसी हो, शूरवीर हो, दया भावना से युक्त हो, धर्म परायण हो? चाहते हैं? बताइए। अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी संतान को अभिमन्यु जैसे गुण देना चाहते हैं? जिस प्रकार अभिमन्यु ने धर्म की स्थापना के लिए, अपने समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली, क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी संतान भी इस समाज की सशक्त इकाई बन सके? अगर हाँ, तो फिर इसमें आपकी बहुत अहम भूमिका है। एक बच्चे ने एक बार माँ से पूछा, माँ कंप्यूटर इतना स्मार्ट कैसे होता है? माँ ने कहा, क्योंकि वो मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। बात छोटी है पर गहरी है। आइए आपके समक्ष एक एक्सपेरिमेंट रखते हैं, हार्लोज मंकी एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के पीछे जो उद्देश्य था वह यह जानना था कि माँ और संतान के बीच में कैसा संबंध होता है। प्रेम भावना और संवेदनाओं के बारे में जानने के लिए मिस्टर हार्लो ने यह एक्सपेरिमेंट किया बंदर पर। बंदर के नवजात शिशुओं को 6 से 12 घंटे के भीतर ही उनकी माताओं से विलग कर दिया गया। एक पिंजरा बनाया गया और उसमें 2 सरोगेट मदर्स बनाई गई। एक को लौह की तारों से निर्मित किया गया और दूसरे को नरम कपास से बनाया गया। उनसे उनके भीतर बल्ब लगाए गए और तापमान बढ़ाया गया ताकि गर्माइश का अनुभव हो। जिस माँ को लौह की तारों से निर्मित किया गया उसके पास दुग्ध की व्यवस्था भी की गई। मिस्टर हार्लो ये जानना चाहते थे, शोधकर्ता इस पर अध्ययन करना चाहते थे कि जो नवजात शिशु है वो किसके पास अधिक समय व्यतीत करता है। पिंजरे में बंदर के नवजात शिशुओं को छोड़ दिया गया और जब परिणाम सामने आया तो जानते हैं परिणाम क्या निकला? वह बंदर, वह शिशु लौह से निर्मित मां जिसके पास दुग्ध की व्यवस्था है वहां ज्यादा समय रुके नहीं, बल्कि उसके आंचल के तले बैठे जहां पर उन्हें नरम कपास जैसा नरमी मिली, जहां उन्हें कोमलता प्राप्त हुई। शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर निकल आए कि एक शिशु केवल मात्र उदर की तृप्ति के लिए माँ के पास नहीं जाता, उसे तो माँ का प्रेम भी चाहिए, माँ की भावनाएं भी चाहिए।
माने एक शिशु के निर्माण के लिए केवल मात्र भोजन या उदर पूर्ति का साधन जुटा देना ही पर्याप्त नहीं है, उसे भावों की गुदगुदाहट भी चाहिए, कोमलता का एहसास भी चाहिए और माँ की नजदीकी भी चाहिए। बच्चे के लिए माँ प्रकृति का वरदान है, उसी प्रकार मातृत्व को प्राप्त करना माँ के लिए भी अद्भुत वरदान है। आपसे पूछते हैं, क्या आपने अपने मातृत्व का पूर्णतः निर्वाह किया है? चलिए आपके साथ एक खेल खेलते हैं। आज इस खेल को हमने एक नाम दिया है और वो है मातृत्व की सांप सीढ़ी। इसमें प्रतियोगी कोई और नहीं, आप स्वयं हैं प्रतियोगी। चलिए इस खेल को आरंभ करते हैं। यदि आपने अपने गर्भ में एक नन्हे शिशु को स्थान दिया है और आप चाहती हैं कि एक सशक्त इकाई समाज की तैयार हो, तो आप सीढ़ी चढ़ जाइए, क्योंकि आप बधाई की पात्र हैं। जिस समय शिशु आपके गर्भ में था, उस समय आपने अपने खाने पीने और विचारों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, सदैव हताशा और निराशा में जकड़ी रही, तो आप सांप से नीचे आ जाइए, क्योंकि आप डसने की अधिकारी हैं। परंतु यदि आपने अपने खान पान और विचारों पर ध्यान दिया है, तो सीढ़ी चढ़ जाइए, क्योंकि आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं, गर्भ से ही आपने उसकी शिक्षा को आरंभ कर दिया है। जिस समय संतान पैदा हुई, तब आपने अपने परिवार से कहा कि अब हमें अपने व्यवहार अपनी बातचीत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चा हमसे सीखता है। अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया है, तो आप सीढ़ी पर चढ़ जाइए, क्योंकि आप बधाई की पात्र हैं। एक नन्ना शिशु जो माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, अपने माता पिता के तौर तरीके और व्यवहार से सीखता है। जानते हो, कहते हैं कि बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है। माता पिता को जैसा देखता है, जैसा उनसे सुनता है, वैसा सीखता चला जाता है। एक नन्ना बच्चा आज नल के सामने खड़ा हुआ है और अपने पिता को खींच कर लाया है। कहने लगा, पिताजी बताइए ना, ये जल कहाँ से आता है? पिता ने कहा, बेटा ये जल यही पास में नदी है, वहां से आता है। बच्चे ने जिद की कि मुझे अभी और इसी समय वो नदी देखनी है। पिता साथ ले गए। वही नदी के किनारे खड़े होकर अपने बेटे को नदी दिखाई और कहा, देख रहे हो, इस नदी से जल आता है हमारे नलों में। बच्चे के मन में ना जाने क्या आया, अपने पिता को नदी में धक्का दिया और दौड़ते हुए घर आया और जोर जोर से कहने लगा, माँ जल्दी से नल चला दो, पिताजी आते होंगे। माँ ने सुना तो माथे पर हाथ मार लिया। कैसा है एक बच्चा, इतना कोमल हृदय है उसका, इतना निष्पाप हृदय है कि माँ और पिता से जो सुनता है ज्यों का त्यों समझ लेता है। उन शब्दों की गहराई नहीं जानता, माँ बाप जैसा सिखाते हैं वो सीखता चला जाता है। बच्चा ऐसा कोरा कागज होता है। अगर अपने बच्चों को आपने बाल्य अवस्था से ही संस्कार देने आरंभ कर दिए हैं, तो आप सीढ़ी चढ़ जाइए। बच्चे घर आए, खेल कूद करते हैं, खेल कूद कर घर आए, कहीं पर स्कूल बैग फेंक दिया, कहीं पर बॉटल फेंक दी, कहीं पर कुछ फेंक दिया, और आप चुपचाप जाकर उस सामान को बटोरते हैं और यथास्थान रख देते हैं, तो आप डसने की अधिकारी हैं। लेकिन यदि आपने बड़े प्रेम से अपने बच्चों को समझाया और उन्हें तौर तरीकों से अवगत करवाया और उन्हें सामान रखने की आदत डाली है, तो सीढ़ी चढ़ जाइए, क्योंकि आप बधाई की पात्र हैं। लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि अरे कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। लेकिन नहीं, बाल्य अवस्था से अपने बच्चों को जो संस्कार दोगे, समाज की वैसी ही वो इकाई बनेगा। जैसे संस्कार आप बचपन से डालेंगे, युवा अवस्था में उसके जीवन से वही परिलक्षित होगा। एक बार एक युवक इंटरव्यू देने के लिए गया, नौकरी प्राप्त करने के लिए गया। जैसे ही जा रहा है, मन ही मन सोच रहा है, आज अगर मेरी नौकरी लग गई तो इस पुश्तैनी घर से मैं सदा के लिए चला जाऊंगा, शहर में जाकर रहूंगा, रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो गया हूँ। स्नान करके बाहर आता हूँ, माँ की आवाज आती है कि तौलिया बाहर सुखा दो। घर से निकलने लगता हूँ, पिताजी की आवाज आती है, बत्ती बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। अरे मैं तो इस चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। जैसे ही इंटरव्यू देने पहुंचा, बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं,
देखा 10 बज चुके हैं लेकिन बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही है, लाइट ऑन है। माँ की डांट याद आई और उठा और जाकर लाइट्स ऑफ कर दी। जैसे ही वापस आ रहा था वाटर टैंक से पानी गिर रहा था, पिता की डांट याद आई और जाकर टैप बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में पता चला कि इंटरव्यू 2nd मंजिल पर है। सारे के सारे जितने उम्मीदवार आए थे वो दूसरी मंजिल की ओर जाने लगे। जैसे ही वो युवक वहां से गया, जब स्थान पर पहुंचा सारी कुर्सियां बिखरी हुई थी, उसने उन सारी कुर्सियों को यथास्थान लगा दिया। इंटरव्यू देने के लिए उम्मीदवार एक एक कर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। जैसे ही उसकी बारी आई अंदर गया, उससे किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। जानते हैं उससे क्या कहा? बताइए कब ज्वाइन करने वाले हैं? उसने कहा आपने मेरे से कुछ पूछा नहीं। उसने कहा हमें पूछने की जरूरत नहीं है, हमने देख लिया है कि तुम्हारे जीवन में कितना डिसिप्लिन है, तुमने बाहर जो भी किया वो हम सब देख चुके हैं। अगर जीवन में डिसिप्लिन ना हो तो नौकरी क्या आप अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। धन्य है तुम्हारे माता पिता और धन्य है तुम्हारी परवरिश जिन्होंने तुम्हारे भीतर ऐसे संस्कार डाले हैं। ये संस्कार कैसे आए? बाल्यावस्था से ही जब बच्चों को सिखाना शुरू कर दोगे, वही बच्चे सीखते सीखते फिर युवा बनेंगे और समाज की सशक्त इकाई बनेंगे। अगर आप अपने बच्चों के कम नंबर आने पर उनसे ज्यादा दुखी हो तो फिर आप सांप से डसने की अधिकारी हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को इन नंबर से आगे दुनिया को देखना सिखाती हैं, उन्हें अच्छा ज्ञान देकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो आप सच में सच्ची माँ हैं और आप सच में सच्चे पिता हैं। माँ और पिता का धर्म, उनका दायित्व जानते हैं कब पूर्ण होता है? हमारा इतिहास बताता है, हमारा पौराणिक भारत बताता है कि पहले भी माता पिता अपने बच्चे को बाल्यावस्था से संस्कार देते थे, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता था, माँ और पिता उसे गुरुकुल ले जाते थे और गुरु के हाथों सौंप देते थे, तब जाकर माँ और पिता का दायित्व पूर्ण होता था। बस यही आपको करना है। ठीक है, आप गर्भ से उसे संस्कार दीजिए, बाल्यावस्था से उसे अच्छी अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि माँ पहली गुरु होती है। लेकिन अपने संतान को गुरु सत्ता से अवश्य जोड़िए, उसे गुरु के चरणों में अवश्य ले जाइए। जानते हैं क्यों? अभिमन्यु का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। भले ही उसने अपनी माँ के गर्भ में संस्कारों के रूप में चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया और बाल्यावस्था से ही उसने सदैव अच्छी अच्छी बातों को सीखा, लेकिन उसकी शिक्षा पूर्ण कब हुई, उसके संस्कार पूर्ण कब हुए? जब वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर अध्यासीन हुआ। माँ के संस्कार और गुरु के संस्कारों ने उस अभिमन्यु का निर्माण किया जिसकी गाथा शूरवीर की गाथा बन गई। धन्य है ऐसी माँ जो अपनी संतान को गुरु सत्ता के चरणों से जोड़ती है और सदा सदा के लिए अपने संस्कारों से और गुरु सत्ता के संस्कारों से उसके जीवन को ओतप्रोत कर देती है। हम मातृशक्ति से आग्रह करना चाहेंगे कि इस समाज की सशक्त इकाई का निर्माण आपके हाथों में है। अपनी संतान को अच्छी इकाई बनाना और समाज के उत्थान में उसे लगाना, ये आप पर निर्भर करता है। दीजिए अपनी संतान को अच्छे संस्कार, ले जाइए उसे गुरु सत्ता के पास और जोड़ दीजिए उसे गुरु सत्ता के श्री चरणों से, ताकि वो कभी अपने जीवन में भटकाव को प्राप्त ना करे। ऐसा था अभिमन्यु का जीवन, जो हमारे लिए एक प्रेरणा बना है और हमें प्रेरणा देते हुए अपने जीवन को युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया वीर अभिमन्यु। सोचिए इस अभिमन्यु की जो संतान होगी वो कैसी होगी? इस अभिमन्यु की जो संतान थी उसी का नाम था परीक्षित। पिता की ही भांति उसके अंदर अनेका अनेक गुण थे। अपने पितामह के द्वारा उसने जीवन में बहुत कुछ सीखा। धर्म से संयुक्त तो उसने अपने जीवन का संचालन किया और जिस समय पांडवों को ये ज्ञान हुआ कि भगवान कृष्ण स्वधाम गमन कर चुके हैं, समस्त पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए सज्ज हो गए। इससे पूर्व वे स्वर्गारोहण करते हैं, उन्होंने परीक्षित का राज तिलक किया और उसे राज गद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित भी
धर्म से संयुक्त होकर अपने राज्य का संचालन करने लगा, अपनी प्रजा का पालन करने लगा। उसकी प्रजा ऐसे राजा को पाकर गदगद थी। लेकिन एक दिन परीक्षित का सामना हुआ कलयुग से, वो कलयुग जो राजा के वेश में था, और आज वह उनके राज्य के निरीह जीवों पर अत्याचार कर रहा था। एक गाय और एक बैल जिसे वो राज वेशधारी इस प्रकार पीटता ले जा रहा था मानो उसका कोई स्वामी ना हो। जो ही परीक्षित ने देखा, उसी समय अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और उस राज वेशधारी को ललकारते हुए कहा, कौन हो तुम जिसने वेश तो राजाओं जैसा बना रखा है लेकिन कर्म से तुम शूद्र जान पड़ते हो। मेरे राज्य के निरीह जीवों पर अत्याचार करने वाले, यहीं ठहर जाओ। उसी समय वो कलयुग वहीं ठहर गया। राजा परीक्षित उसके समक्ष पहुंचे, कहने लगे, कौन हो तुम? उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं और मेरे आने का समय हो चुका है। परीक्षित ने कहा, जब तक मैं यहां हूं तब तक तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग ने सुना, ठहाका लगाकर हंस दिया, कहने लगे, महाराज मेरे आने का समय हो चुका है और अब मुझे आने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि आप और मैं दोनों इस जगह पर रह सकें। मुझे कोई स्थान दीजिए जहां जाकर मैं हमेशा निवास कर सकूं। उस समय राजा परीक्षित के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कलयुग को 5 स्थान दिए जहां जाकर कलयुग सदा सदा के लिए निवास करने लगा। उन्हीं स्थानों में से एक स्थान था जहां अनीति पूर्ण ढंग से स्वर्ण कमाया जाता हो, वहां जाकर कलयुग निवास करेगा। वह अभागा दिन आया जिस दिन परीक्षित ने राजभवन में जाकर स्वर्ण पेटिका को खोल लिया और उसमें से जरासंध का स्वर्ण मुकुट निकला जिसे भीम अन्यायपूर्ण ढंग से अपने यहाँ राजभवन में ले आया था। परीक्षित को इस बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए अज्ञानतावश उसने उस राज मुकुट को अपने शीश पर धारण कर लिया। कलयुग को वरदान मिला था और कलयुग आकर राजा परीक्षित की बुद्धि में बैठ गया और उसकी बुद्धि को मलिन कर दिया। भागवत कहती है कि उस दिन पहली बार परीक्षित अपनी मलिन बुद्धि के कारण आखेट करने के लिए वन की ओर गया। पूरा दिन उसने न जाने कितने निरीह जीवों की हत्या कर दी। जब भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा, पास में ही शमिक ऋषि का आश्रम था, वहां पहुंच गया। शमिक ऋषि नेत्र मूंदे ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। वो परीक्षित जो सदैव संतों का आदर सत्कार करता था, जिन हाथों से सदैव उनका पूजन होता था, जिस मुख से सदैव उन्हें धन्यवाद अर्पित करता था, आज कलयुग ने उसकी बुद्धि को इस प्रकार मलिन किया कि उसका अभिमान मुखरित हो उठा। अरे देखो, संपूर्ण राज्य का एकाधिपति इसके समक्ष खड़ा है और ये ऋषि किस प्रकार आंखें मूंद कर स्वांग कर रहा है। जब शमिक ऋषि नहीं उठे तो कुपित होकर राजा परीक्षित ने वही कुटिया के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण की नोक से उसे उठाया, शमिक ऋषि के गले में डाल दिया, उनका अपमान किया और पैर पटकता हुआ वहां से लौट गया। आश्रम के बालकों ने जब इस दृश्य को देखा, दौड़ते हुए श्रृंगी ऋषि के पास गए और जाकर उन्हें सारी घटना बता दी। श्रृंगी ऋषि आवेश में आ गए, अंजलि में जल भर लिया और उस राजा परीक्षित को श्राप देते हुए कहने लगे, वह मूढ़ बुद्धि राजन जिसने मेरे पिता श्री का इस प्रकार अपमान किया है, मैं श्रृंगी ऋषि उसे श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग की अग्नि में जलकर उसका प्राणांत हो जाएगा और मेरा ये श्राप टाले नहीं टलेगा। इतना कहकर अंजलि से तर्पण कर दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। और उधर राजा परीक्षित ज्यों ही राजभवन पहुंचे, राज मुकुट को शीश से नीचे उतारा, कलयुग बुद्धि से बाहर आ गया, अपने किए पर पश्चाताप होने लगा, श्रृंगी ऋषि का श्राप कर्ण गोचर हो गया। परीक्षित सोच में पड़ गया कि क्या करूं, यूं तो प्रजा कोई भूल करे तो राजा उसे दंड देता है, लेकिन यहां तो स्वयं राजा ने ही अपराध किया है, अब इस राजा को दंड कौन देगा। कक्ष के द्वार बंद कर लिए परीक्षित ने, स्वाध्याय में लीन हो गया।
नेत्र मूंद लिए और द्वारिकाधीश के चरणों में प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं जानता हूं कि जब माँ के गर्भ में था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की अग्नि ने मुझे खत्म कर दिया था, लेकिन उस समय आपने मुझे जीवन दान दिया। पर देखिए ना, आज इस परीक्षित से किस प्रकार अपराध हुआ है, पाप हुआ है। इसने एक ऋषि का अपमान किया है, मुझे दंड मिलना चाहिए, लेकिन मुझे दंड कौन देगा प्रभु, कौन देगा? परीक्षित की अंतर आत्मा से मानो द्वारिकाधीश बोल उठे, परीक्षित दंड तुम्हें स्वयं को देना है और तुम्हें इन 7 दिनों के भीतर ही अपनी मृत्यु को सार्थक भी करना है। परीक्षित के अंतर आत्मा ने जब ये स्वर कहे, उसी क्षण परीक्षित ने अपने गृह का त्याग कर दिया, राजभवन का त्याग कर दिया, अपने संबंधियों का त्याग कर दिया, उनका आश्रय त्याग कर धन संपदा से विरक्ति लेकर चल दिया गंगा नदी के तीरे। ऋषि महर्षियों से जाकर प्रश्न कर रहा है कि किस प्रकार अपनी मृत्यु को सार्थक करूं, मृत्यु की जो अपार पीड़ा है उस पीड़ा से मुक्ति का उपाय ढूंढने चल दिया राजा परीक्षित। सोचिए, आज जब मृत्यु की पदचाप को परीक्षित ने सुना तो सजग हो गया, सतर्क हो गया और 7 दिन के भीतर ही मृत्यु की पीड़ा से बचने के लिए औषधि ढूंढने के लिए चल दिया। महात्मा बुद्ध का जीवन भी तो ऐसा था। पूर्व का नाम सिद्धार्थ, जब एक दिन एक मृतक देह को देख लिया, अंतरात्मा मानो झंकृत हो उठी हो, असंख्य प्रश्न उनके मन में चलने लगे। इस मरणशील जीवन का औचित्य क्या है, किस लिए ये जीवन मिला है, क्यों हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है, इन गूढ़ पहेलियों को सुलझाने के लिए चल दिए। और तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने बुद्धत्व का वरण नहीं कर लिया। फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए ब्लेज पास्कल, उनके जीवन की घटना आती है। एक बार घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहे थे, घोड़ा बिदक गया और वो घोड़ा गाड़ी से नीचे गिर गए। उस समय शरीर पर अधिक घाव नहीं आए, लेकिन हृदय पर गहरा आघात हो गया। समझ में आ गया कि जीवन नश्वर है, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। उन्होंने क्या किया, एक चर्म पत्र लिया और उस पर गुदवा दिए कुछ शब्द। और वो शब्द क्या थे कि भगवान को तर्क और बुद्धि से पाया नहीं जा सकता, उसे तो केवल प्रेम और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। आज ये ब्लेज पास्कल ये शपथ लेता है कि अब वो भगवान को कभी नहीं भूलेगा और ना ही उसके अस्तित्व पर कभी कोई संदेह करेगा। इस चर्म पत्र को अपने कोट के अस्तर से सिलवा दिया ताकि ये शब्द हमेशा याद रहें। ईश्वरीय सत्ता से जुड़कर जीवन का यापन करो, यही शिक्षा ब्लेज पास्कल संपूर्ण जीवन देते रहे। सोचिए, मात्र एक घटना ने जीवन को किस ओर मोड़ दिया, चाहे वो सिद्धार्थ हुए, परीक्षित हुए, ब्लेज पास्कल हुए, उन सभी के जीवन में एक घटना घटी और उनका जीवन एक सही पथ की ओर प्रशस्त हो गया। सोचिए, हमने भी तो कितनी बार मृत्यु की पदचाप को सुना है, चाहे वो 9/11 का अंधकारमय दिवस हो, चाहे वो निपाह वायरस हो, चाहे वो सुनामी की लहरों का कहर हो, चाहे वो COVID-19 जैसी महामारी हो, हमने मृत्यु को समीप से देखा है, अपने प्रिय जनों को मृत्यु का ग्रास बनते हुए हमने देखा है। लेकिन आश्चर्य है, मृत्यु की पदजाप सुन लेने के बाद भी अभी तक ना तो हम सजग हुए ना सतर्क हुए। शास्त्र कहते हैं यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम्, कि सारा संसार काल का ग्रास बन रहा है, अपने संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये सब कुछ देखता और समझता हुआ भी इंसान अपनी मृत्यु को भूला बैठा है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। आज परीक्षित की गाथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये गाथा हर एक मानव को फिर से जगाने आई है। जागो और समझो, मृत्यु अटल है, जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्यु भी अवश्य प्राप्त होगी, इसलिए जीवन के रहते रहते मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। आप कहेंगे मृत्यु की पीड़ा, जी सहजोबाई कहती है
सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, 1000 बिच्छू ज्यों डंक मारे एक साथ। जानते हो जब मृत्यु आती है तो ऐसा लगता है मानो 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, इतनी अपार पीड़ा। इस पीड़ा से मुक्ति का उपाय क्या है? कैसे हम जीते जी मुक्त हो जाएं? कैसे इस मृत्यु की पीड़ा से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर लें, ताकि मृत्यु आए भी तो हमें कोई अफसोस ना हो, कोई भय ना हो, कोई पीड़ा ना हो? कैसे? संस्कृत में कहते हैं, मृत्यु के लिए एक शब्द उपयोग किया गया है, पंच तत्वं गतः। समझिएगा, ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, पांच तत्वों के संयोग से बना है और मृत्यु इन पांच तत्वों से वियोग है। यानी जो मृत्यु है वो देह की प्रकृति है, मृत्यु केवल देह को आती है, आत्मा तो अमर है, अनश्वर है, चिरंतन है। मृत्यु केवल देह को क्षत विक्षत कर सकती है, लेकिन आत्मा तो अक्षत है। अगर आपको रामचरितमानस पढ़ने का कभी मौका मिला हो तो आप उस प्रसंग को अवश्य पढ़िएगा, जिस समय भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं। बाली की पत्नी तारा आकर क्रंदन करने लगती है। उस समय भगवान श्री राम देखते हैं, तारा बिकल देखी रघुराया, दीनह ज्ञान हरि ली नहीं माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कि हे तारा, तू किसके लिए रुदन कर रही है? क्या तू अपने पति को केवल देह मात्र मानती थी? तो देह तो तेरे सामने अब भी पड़ी है, फिर ये रुदन क्यों? अगर तू इस देह के भीतर जो अनश्वर आत्मा थी उसे अपना पति मानती थी तो आत्मा तो अजर और अमर है, और जो अमर है उसके लिए रुदन कैसा? तारा बिकल देखी रघुराया, दीनह ज्ञान हरि ली नहीं माया। उस समय श्री राम ने तारा को ज्ञान दिया और उस मृत्यु की जो सच्चाई है उससे अवगत करवा दिया। इस मृत्यु में मानसा से ये स्पष्ट होता है कि अगर हम इस देह से ऊपर उठ जाएं, आत्मा में लीन हो जाएं, आत्मा में स्थित हो जाएं, तो इस मृत्यु की पीड़ा से हम मुक्त हो सकते हैं। इसे ही कहते हैं जीते जी मुक्त हो जाना। यही था महात्मा बुद्ध का निर्वाण। रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं। अपनी जिज्ञासुओं को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, ये है कच्चा नारियल और ये है सूखा नारियल। दोनों नारियलों को अपने हाथ में पकड़ लिया और लोगों से पूछा कि अगर इस कच्चे नारियल को एक खोल को तोड़ा जाए, बताओ इसकी गिरी का क्या होगा? उन्होंने कहा, गिरी भी टूट जाएगी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अगर सूखे नारियल के खोल को तोड़ा जाए तो उसकी गिरी का क्या होगा? तो उन्होंने कहा, इसकी गिरी नहीं टूटेगी, क्योंकि इसकी गिरी पहले ही खोल से अलग हो चुकी है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, यही जीवन का बहुत सुंदर सूत्र है। अगर जब तक हम इस देह में आसक्त हैं, उस आत्मा का अनुभव नहीं किया है, तब तक हमारी स्थिति कच्चे नारियल की तरह है। ज्यों ही मृत्यु आती है, देह खत्म होती है और हमें अपार पीड़ा का अनुभव होता है। और यह पीड़ा केवल इस लोक में नहीं, हमें परलोक में भी कष्ट देती है, क्योंकि हमने आत्मा की मुक्ति का जो मार्ग था उसे अवरुद्ध कर लिया। ये मानव तन साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को आवागमन के चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं। 84 लाख योनियां हमारे लिए तैयार बैठी हैं, अगर हमने अपनी आत्मा के तत्व को नहीं जाना। तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, यह सूखा नारियल, ये पहले ही अपनी गिरी को खोल से अलग कर देता है। ऐसे होते हैं भक्त, ऐसे होते हैं सच्चे साधक। जो सद्गुरु के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपनी आत्मा को जान लेते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं और स्वयं को अपनी देह से विलग कर लेते हैं, फिर मृत्यु आती है, आकर देह को नष्ट करती है और आत्मा परमात्मा में जुड़ जाती है और प्रभु के धाम को चली जाती है, मुक्त हो जाती है। इसलिए सज्जनों, हमें भी मुक्ति के पथ पर अग्रसर होना है। क्या चाहते हो फिर से हम आवागमन के चक्र में फंस जाएं, फिर से 84 लाख योनियों की वो पीड़ा, वो कष्टदायी यातना हमें सहनी पड़े?
नहीं, हमें इस कष्ट इस पीड़ा से मुक्त होना होगा, हमें इस लोक और परलोक दोनों को संवारना होगा। इसलिए महापुरुषों ने हमें भजनों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से हमेशा चेतावनी दी कि जागो, उठो और अपने जीवन के लक्ष्य का वरण करो और इस मृत्यु पर विजय श्री प्राप्त कर लो। काल का भय भी आपको ना सताए, कुछ ऐसा यतन कर लो। आइए महापुरुष भजन के माध्यम से हमें किस प्रकार जागृत कर रहे हैं, श्रवण करते हैं। लाख चौरासी के हैं ये फेरे, लाख चौरासी के हैं ये फेरे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे। लाख चौरासी के हैं ये फेरे, लाख चौरासी के हैं ये फेरे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे। काल सर पे खड़ा, काल सर पे खड़ा, देख तेरे, देख कैसे मृत्यु है ये खेल खेले, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे। पुतला है तू खाक में मिल जाएगा, संग न तेरे कोई धनिया माल जाएगा, तो गज कफन का सिर्फ टुकड़ा एक पाएगा, क्या साथ लेके आया था जो लेकर जाएगा, फिर क्यों करता, फिर क्यों करता है मेरे मेरे, फिर क्यों करता है मेरे मेरे। काल सर पे खड़ा देख तेरे, काल सर पे खड़ा देख तेरे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे। कांधों पर तुझे उठा कर ले जाएंगे, चिता बना कर तुझे आग में जलाएंगे, तेरे मरने के बाद न कोई तेरा होगा, फिर बंदे तेरा तो बस शमशान में डेरा होगा, कोई जाएगा ना साथ तेरे, कोई जाएगा ना साथ तेरे। काल सर पे खड़ा देख तेरे, काल सर पे खड़ा देख तेरे, लाख चौरासी के हैं ये फेरे, लाख चौरासी के हैं ये फेरे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे, संभल जा रे। काल सर पे खड़ा देख तेरे, देख कैसे मृत्यु है ये खेल खेले, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे।
लाख चौरासी के हैं ये फेरे, संभल जा रे। क्या सुना? संभल जा रे, संभल जा रे। मानव के लिए एक चेतावनी है कि लाख चौरासी का जो बंधन है वो हमारे लिए तैयार है, अगर हमने इस मानव तन में मुक्ति के साधन को उपलब्ध नहीं किया। राजा परीक्षित, जिसने अपने मृत्यु की पदचाप को सुना और मृत्यु की पीड़ा से मुक्त होने के लिए चल दिया, सतर्क हो गया, सजग हो गया और पहुंचा कहां? पहुंच गया शुकदेव जी महाराज के चरणों में, करबद्ध होकर प्रार्थना कर दी। आपके चरणों में कहते हैं पाप सभी कट जाते हैं, यही सोचकर सद्गुरु जी मैं शरण आपकी आया हूँ। मन चंचल है, हृदय चपल है, मुझको भटकाए भ्रम में, जीवन का हर पल हर क्षण बीत रहा मोहतम में, ज्ञान सूर्य है आप अलौकिक कर देते हर मन को, यही सोचकर सद्गुरु जी मैं शरण आपकी आया हूँ। परीक्षित, शुकदेव जी महाराज के चरणों में गए और क्या केवल उन्होंने इस कथा मात्र को सुना? नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण ये प्रमाण देता है कि परीक्षित ने शुकदेव जी महाराज से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, उस आत्मा के साक्षात्कार को प्राप्त किया और उस ध्यान साधना में लीन होकर उसने अपनी आत्मा को देह से विलग कर लिया। तक्षक नाग आया, श्रृंगी ऋषि का श्राप सफल हुआ, लेकिन उसे पीड़ा का भान नहीं हुआ, वो जीते जी मुक्त हो गया। वेदाह मेतंग पुरखंग महांतमादित्य वर्णंग तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कि उस परम पुरुष का साक्षात्कार करना ही मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। अगर परीक्षित ने उस मुक्ति के मार्ग को ढूंढ लिया तो हम भी ढूंढ सकते हैं। अगर वो जीते जी मुक्त हो गया तो हम भी हो सकते हैं। अगर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया है तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर नचिकेता ने मृत्यु पर विजय श्री प्राप्त की है तो हम भी कर सकते हैं। बस हमें प्रयास करना है इन कथा के शब्दों में छिपे हुए जो गूढ़ रहस्य हैं उन्हें जीवन में उतारना है और जीवन को सफल बनाना है। हमारी मृत्यु भी सफल हो, आओ ऐसा सफल प्रयास करें। परीक्षित, जो शुकदेव जी महाराज के मुखारविंद इस कथा को सुन रहा है, उसने अनेक भक्तों की गाथाएं सुनी हैं। ध्रुव की गाथा सुनी, जड़ भरत की गाथा सुनी, अजामिल की गाथा सुनी। अब सप्तम स्कंद के माध्यम से एक ऐसे भक्त की गाथा सुनने जा रहा है जिस भक्त का नाम है भक्त प्रहलाद। उस भक्त प्रहलाद की तुलना पुष्प की उस महक से की जा सकती है जो दूर दूर जाकर फूल की व्याख्या देकर आती है। श्री हरि रूपी सुंदर पुष्प की महक बना प्रहलाद, जहां भी जाता श्री हरि की ही सुगंधी सबको आती। लेकिन इस नन्हे प्रहलाद की गाथा को आरंभ करने से पूर्व शुकदेव जी महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की गाथा सुनाते हैं कि जय और विजय प्रभु के दो द्वारपाल थे, सनकादि ऋषियों का अपमान किया और तीन जन्मों तक आसुरी योनि में जाने का श्राप मिल गया। पहले जन्म में वे दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में इस धरा पर आए और तामसिक बुद्धि के स्वामी थे, इसलिए उन्होंने इस धरा को व्यथित कर दिया। हिरण्याक्ष के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये धरा अकुला उठी, उसने तो पृथ्वी को रसातल में ही छिपा दिया। उस समय हमारे श्रीहरि, जिनका ये कहना है कि जब भी इस धरा पर अधर्म बढ़ेगा आतताइयों का अंत करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा, हमारे प्रभु अपने भक्तों के संरक्षक बने और प्रभु ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को रसातल से ले आए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भ्राता श्री हिरण्याक्ष का वध हो गया है। ज्यों ही यह सूचना हिरण्यकश्यपु को मिली, आवेश में आ गया, राज्य सभा में बैठा है और अपने सभी सभासदों को संबोधित करते हुए आज उसने एक संकल्प लिया और उठ खड़ा हुआ। शेषनाग की शैया पर जो प्रभु विश्राम करते हैं, आज उन्हें चेतावनी देने लगा, कहने लगा,
हे शेषनाग की शैया पर विश्राम करते विष्णु, स्वयं को जन्म मरण के स्वामी समझते विष्णु, तूने मेरे भ्राता हिरण्याक्ष का वध कर उचित नहीं किया है। मैं हिरण्यकशिपु संकल्प लेता हूँ, जब तक अपने भ्राता श्री का मृत्यु का उनकी मृत्यु का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारे रुधिर से मैं अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तभी मेरे मन को शांति आएगी। इतना कहकर हिरण्यकशिपु श्री हरि का वध करने के लिए, अपने भ्राता श्री की मृत्यु का प्रतिकार लेने के लिए चल दिया। तभी कुल गुरु की आवाज आई, ठहरो कश्यप नंदन ठहरो, किसका वध करने जा रहे हो? अरे वो कोई साधारण नहीं है, साक्षात नारायण है, हरि है। अगर वो चंद्रमा की भांति शीतल है तो तुम्हें सूर्य की भांति दहकना होगा। अगर वो सागर की भांति शांत है, तुम्हें ज्वार भाटा बनकर उमड़ना होगा। अगर वो वायु है तो तुम्हें प्रचंड आंधी का रूप धारण करना होगा। जाओ जाकर पहले तपस्या करो, अमरता का वरदान लो, और तब जाकर तुम उस हरि को परास्त कर सकते हो। हिरण्यकश्यपु ने सुना, उसे कुल गुरु का प्रस्ताव उत्तम लगा और तुरंत वह वन की ओर जाने के लिए सज्ज हो गया। ज्यों ही राजभवन से बाहर की ओर निकलने लगा, पत्नी कायादु ने देखा, कहने लगी, स्वामी कहाँ जा रहे हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ। पत्नी कायादु ने डरते हुए कहा, कब तक वापिस आएंगे? हिरण्यकश्यपु ने कहा, हो सकता है कि मुझे करोड़ों वर्ष लग जाएं, लेकिन जब तक मैं ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान नहीं प्राप्त कर लेता, मैं वापस नहीं लौटूंगा। इतना कहते ही क्रोध में पैर पटकता हुआ राजभवन का त्याग किया और वन की ओर निकल गया। जैसे ही वन में तपस्या में लीन हुआ, ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन होकर उनके नाम का उच्चारण कर रहा है, तभी सभी देवतागण भयभीत हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, रक्षति प्रभु रक्षति, हमारी रक्षा कीजिए। यदि वहां असुर हिरण्यकश्यपु अपनी इस तपस्या में सफल हो गया तो आप जानते हैं फिर इस धरा का क्या होगा। बृहस्पति जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी कोई उपाय ढूंढता हूँ। उसी क्षण हमारे बृहस्पति देव ने शुक का रूप बनाया, तोते का रूप बनाया और उस वृक्ष की डाल पर जाकर बैठ गए, जिसके नीचे बैठकर हिरण्यकश्यपु महाराज तपस्या कर रहे थे। ऊपर बैठे हैं शुक महाराज और वो भी अपनी तपस्या कर रहे हैं, और उनकी तपस्या में तो श्री हरि का ही नाम गूंजता सुनाई देता है, नारायण 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 नारायण। जैसे ही नारायण नाम की ध्वनि को सुना, हिरण्यकश्यपु ने नेत्र खोले, यहां वहां देखा, कहां से आ रही है ध्वनि? देखा वृक्ष की डाल की ओर एक शुक बैठा है। अपनी उंगली के इशारे से उसे उड़ा दिया, शुक उड़ गया। फिर अपने नेत्र को मूंदे तपस्या में लीन हो गया, शुक महाराज आकर फिर से बैठ गए, लगे अपने प्रभु के नाम का उच्चारण करने, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यपु ने फिर से नेत्र खोले, फिर से शुक की ओर देखा का श, श, और हाथ के इशारे से उसे उड़ा दिया, शुक उड़ गया। पुनः अपने नेत्र मूंदे शुक आकर फिर से बैठा, फिर से वही नाम संकीर्तन, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, लगता है आज का दिन ही अशुभ है। वापिस राजभवन लौट आया, पत्नी कायादु ने पूछा, क्या हुआ? कहने लगे, अरे आज वन के भीतर एक अजीब सा शुक मिल गया था और बार बार नारायण की ध्वनि छेड़ रहा था। पत्नी कायादु ने सुना, कहने लगी, अरे मेरे पति के मुख से नारायण नाम का स्मरण? कहने लगी, सच कह रहे हैं आप, मेरे कानों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हाँ भाग्यवान, सच कहता हूँ, अरे वो नारायण 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 बोल रहा था। मेरी तपस्या को तो उसने असफल कर दिया, अब मैं बाद में जाऊंगा। थोड़े दिन बीते, हिरण्यकश्यपु फिर से तपस्या करने के लिए वनों की ओर प्रस्थान कर गया। ब्रह्मा जी को अपनी कठोर तपस्या से आज उसने प्रसन्न कर लिया, और जब ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रस्तुत हुए, कश्यप नंदन से कहा, कश्यप नंदन आंखें खोलो, मांगो मुझसे, क्या वर मांगते हो? हिरण्यकश्यपु ने नेत्र खोले, प्रणाम किया, हे ब्रह्मा जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं आपसे केवल एक ही वर मांगता हूँ, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया है उसे चिता की गोद में लेटना ही होगा, जन्म और मरण सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं, इसलिए तुम कुछ और वरदान मांग लो।
हिरण्यकशिपु सोच में पड़ गया। मैंने इतनी कठोर तपस्या की और अब ब्रह्मा जी मुझे वरदान नहीं दे रहे। उसने अपने मस्तिष्क के घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया। तामसिक बुद्धि का स्वामी था और आज उसने अपने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात्रि में मरूं, ना घर के भीतर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना धरा पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना देव से, ना दानव से, ना पशु से, ना मानव से, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र मुझे पराजित कर पाए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और अंतर्धान हो गए। हिरण्यकशिपु ठहाका लगाकर हंस दिया। देखा, मैंने तो साक्षात ब्रह्मा को भी मूर्ख बना दिया। अरे, ऐसी परिस्थितियां तो कभी प्रकट ही नहीं होंगी, यानी अब कोई मेरा वध कर ही नहीं पाएगा, यानी ये हिरण्यकशिपु आज से अमर हो गया है, आज से सृष्टि का भगवान बन गया है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जिसकी तामसिक बुद्धि थी और अपनी तामसिक बुद्धि होने के कारण ही उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न तो किया, लेकिन वरदान स्वरूप क्या मांगा? वरदान स्वरूप उसने अपनी मृत्यु को ही मांग लिया, उसने अपनी मृत्यु का ही चुनाव कर लिया। आपसे पूछते हैं, क्या हिरण्यकशिपु ने जो ये मांगा, जो कामना की, क्या ये कामना ठीक थी? नहीं, हिरण्यकशिपु की कामना एकदम अनुचित थी, क्योंकि तामसिक बुद्धि का स्वामी था, इसलिए उसने अपने इस मुख से जो शब्द कहे, वो शब्द, वो मांग बिल्कुल अनुचित थी। और अपने इस तामसिक बुद्धि के चलते उसने स्वयं अपनी मृत्यु का ही चुनाव कर लिया। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास बैठने का अवसर मिला। हिरण्यकशिपु की ही कहानी सुना रहे थे गुरुदेव। श्री महाराज जी कहते हैं, जानते हो हिरण्यकशिपु की जो मांग थी वो कैसी थी? महाराज जी कहानी सुनाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, एक बार एक संत के पास चार मित्र आए। वे जानते थे कि संत के पास ऐसी विद्या है जिससे मृतक को भी जीवित किया जा सकता है, और उन्होंने जाकर संत से उस विद्या की मांग की। संत ने कहा, अरे उस विद्या को लेकर क्या करोगे? तुम परमात्मा का नाम जपो, वही तुम्हारे जीवन का कल्याण करेंगे। चारों मित्रों ने कहा, अरे हमें परमात्मा वरमात्मा नहीं चाहिए, आप हमें बस वो विद्या का ज्ञान दे दीजिए। संत ने फिर से समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थे। संत ने उस विद्या का ज्ञान उन्हें दे दिया। चारों मित्र बड़े प्रसन्न हैं। मार्ग से जा रहे थे, कुछ हड्डियों का ढांचा देखा तो मित्रों ने सोचा, क्यों ना इसी पर ही अपना प्रैक्टिकल कर ले। तभी एक मित्र ने सारी हड्डियों को समेटा, एक ढांचा तैयार किया। दूसरे ने अपनी विद्या से उस पर मांस चढ़ा दिया। तीसरे ने धमनियों में रक्त का प्रवाह किया और चौथे ने उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही प्राण फूंके, वो ढांचा किसी और का नहीं था, सिंह का था, शेर का था। शेर में जैसे ही प्राण आए, उसने अपने ही सृजनहारों को यमपुरी पहुंचा दिया। श्री महाराज जी इस कहानी को सुनाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, इसी तरह होता है मानव, जो अनजाने में ही ऐसी मांग रख देता है जो उसके जीवन का ही अहित कर देती है, वो समझ ही नहीं पाता। चलिए आपका टेस्ट लेते हैं, आपसे प्रश्न करते हैं। यह बताइए कि महाभारत का युद्ध जब आरंभ होने जा रहा था, उससे पूर्व कृष्ण के पास सहायता लेने दुर्योधन भी आए, अर्जुन भी आए। कृष्ण ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट दिया, एक और सेना रख दी, दूसरी ओर निहत्थे कृष्ण हो गए। तो फिर प्रभु ने कहा, आप चुनाव कीजिए। अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण का चुनाव किया, दुर्योधन ने सेना का चुनाव किया। बताओ, इन दोनों में से सूझवान कौन था? कौन था, दुर्योधन या अर्जुन? अर्जुन। चलिए एक और एग्जाम्पल पूछते हैं। दो भाई थे जिन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, एक था भस्मासुर, दूसरा था सतायुध। शिव प्रसन्न हुए, भस्मासुर ने वरदान में मांगा, जिसके भी शीश पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। सतायुध ने कहा, जिसके शीश पर हाथ रखूं वो स्वस्थ हो जाए। बताइए इन दोनों में से किसकी मांग ठीक थी, कौन चतुर था, कौन सयाना था? बताइए, भस्मासुर या सतायुध? सतायुध।
एक बार एक राजा प्रसन्न होकर बंदी गृह में गए, उनका जन्म दिवस था। जितने भी बंदी गृह में बंदी थे अपनी अपनी याचना लेकर आए। एक बंदी ने कहा, महाराज भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तनिक व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। दूसरे ने कहा, महाराज यहाँ इस बंदी गृह में कोई रोशनदान नहीं है, तनिक एक रोशनदान लगवा दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। तीसरा आया, कहने लगा, यहाँ का जो जेलर है हमसे बहुत दुर्व्यवहार करता है, आप तनिक उसे समझाइए। राजा ने कहा, ठीक है। चौथा बंदी आया, आकर राजा के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगी, कहने लगा, मुझसे अनजाने में अपराध हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए और इस बंदी गृह से मुक्त कर दीजिए। राजा ने प्रसन्न हो गए और उसे बंदी गृह से मुक्त कर दिया। बताइए इन चारों में से किसकी मांग उचित थी, इन चारों में से सबसे अधिक सूझवान कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए, चौथा। बहुत अच्छा, आप लोग अपने टेस्ट में सफल हुए हैं, पास हुए हैं। लेकिन सोचिए अगर यही परिस्थिति कभी हमारे जीवन में आए और हमारे बांके बिहारी आकर हमसे कहें कुछ मांग लो, तो आप क्या मांगोगे उनसे? सोचो, रोज प्रभु की मूरत के समक्ष जब खड़े होते हो तो इस हृदय से क्या पुकार उठती है? मंदिर में जाकर नारायण की मूरत के समक्ष जब हाथ जोड़ते हो तो इस मुख से क्या प्रार्थना प्रस्फुटित होती है, ये आप भली भांति जानते हो। जब फ्लैशलाइट ऑन होती है ना, तो फिर आंखें पल भर के लिए चौंधिया जाती हैं। इसी तरह हम सूझवान हैं, चतुर हैं, सयाने हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब जब इस माया नगरी में रहते हैं तो माया की चकाचौंध हमें भ्रमित कर देती है और जो प्रभु से मांगना होता है हम मांग ही नहीं पाते। एक बार इसी माया नगरी की वीथियों में घूमते हुए कबीर दास जी निकले, देखा लोग भगवान से तरह तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं। पास जाकर कबीर दास जी ने बड़े ध्यान से भक्तों की प्रार्थना को सुना, लेकिन हृदय को गहरा आघात लग गया। भक्त की प्रार्थना को सुनकर कबीर दास जी बड़े दुखी हो गए और उस समय कबीर दास जी के हृदय से कुछ पंक्तियां प्रस्फुटित हुई और मानव के समक्ष एक सत्य को उजागर करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर भजन की रचना की और वो क्या कहते हैं? संत कवि इन अंधों को क्या दीजिए जी, कह गए संत कवि इन अंधों को क्या दीजिए जी, कह गए संत कवि इन अंधों को क्या दीजिए जी, कह गए संत कवि इन अंधों को क्या दीजिए जी। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी, दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी, कोई आवे तो भेटा मांगे, कोई आवे तो भेटा मांगे, भेंट रुपया लीजे जी, गए संत कवि इन अंधों को क्या दीजे जी। दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई
आवे तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे। कोई आवे तो दौलत मांगे, मेरे सैया दीजिए जी। कह गए संत कबीर, कह गए संत कवि, इन अंधों को क्या दीजिए जी। चावे ब्याह सगाइयां, कोई रचावे ब्याह सगाइयां, संत गुसैया रीझे जी। संत गुसैया रीझे जी, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं। झूठे जगत पति जे जी, कह गए संत कबीर, इन अंधों को क्या दीजे जी। कह गए संत कबीर, इन अंधों को क्या दीजे जी। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। संत कभी इन अंधों को क्या दीजे जी। कह गए संत कभी इन अंधों को क्या दीजे जी। कह गए संत भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरु दीजे। कह गए संत कभी इन अंधों को क्या दीजे जी। कह गए संत कभी को क्या दीजे जी। कह गए संत कवि इन अंधों को क्या दीजे जी। कबीर दास जी इस संसार की हालत का वर्णन कर रहे हैं। कटाक्ष नहीं है, एक सत्यता है जिसे मानव के समक्ष उजागर कर रहे हैं। सत्यता कड़वी होती है, लेकिन अगर इस सत्यता को ग्रहण कर लिया जाए, इसे समझ लिया जाए, तो जीवन अच्छा बन सकता है। कबीर दास जी का कहना स्पष्ट था कि मानव, उसकी आंखें इस माया में इस प्रकार अंधी हो चुकी हैं कि वो मांग में, अपनी प्रार्थना में उन वस्तुओं को मांग लेता है जो नश्वर है। मांगना क्या चाहिए? वो मांगना चाहिए जो आप प्रतिदिन आरती में गाते हो, दोहराते हो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। यही गाते हो ना कि प्रभु हमारे विषय और विकारों से हमें मुक्त कर दो। श्रद्धा और भक्ति और प्रीति जो भगवान से है, उसे वृद्धि कर दो, उसे बढ़ा दो। संतन की सेवा, मैं संतों की सेवा कर पाऊं, प्रभु मेरी यही मांग है, मेरी यही प्रार्थना है। विडंबना है, प्रार्थना में नित्य प्रति हम इन स्वरों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन जीवन में करते कुछ और हैं। इसलिए हमारे बांके बिहारी को कहना पड़ा, खोलिए श्रीमद् भगवत गीता, प्रभु स्पष्ट करते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। क्या अर्थ है इसका? नाना साहिब चिंदोरकर
एक ऐसे महान विद्वान थे जो साईं बाबा के दरबार में आए, जो पूर्ण संत हुए हैं। द्वारिका माई में आकर साईं के चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे, बाबा आपकी बड़ी महिमा सुन के आज ये दास आपके द्वार पर आया है। साईं ने कहा, नाना मैंने भी तेरी बड़ी ख्याति सुनी है, सुना है तूने वेदों का अध्ययन किया है। नाना साहिब तो गर्व से फूल गए, कहने लगे, बाबा केवल वेदों का ही अध्ययन नहीं किया, गीता पर तो टीका लिख चुका हूँ। साईं ने कहा, अच्छा जरा इस श्लोक का अर्थ तो बता, तद्विदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्थ बताने लगा। साईं ने कहा, मुझे अर्थानुवाद नहीं, इसका व्याकरणीय अर्थ बता, तत्व शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ? उसने कहा, तत्व परमात्मा के लिए। साईं ने कहा, क्या उस परमात्मा को जानता है? अच्छा बता, तद्विधि प्रणी पातेन, पातेन का अर्थ क्या होता है? उसने कहा, नमन करना, झुकना। तो फिर प्रणी पातेन क्यों लगाया? कहने लगा, ये उपसर्ग इसलिए लगाया गया है ताकि श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया जाए संतों के चरणों में। परिप्रश्नेन अर्थात उनसे ऐसा प्रश्न किया जाए जिस प्रश्न के द्वारा हमारा कल्याण हो। साईं ने नाना से प्रश्न पूछे और इन प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि जब भी मानव संतों के पास जाए, प्रभु के दरबार में जाए, तो उसके हृदय से केवल यही प्रार्थना प्रस्फुटित हो कि वो परमात्मा जो हमारे घट में निवास करता है, उसे हम कैसे प्राप्त करें। संतों के पास जाएं तो उनके चरणों में भी अध्यासीन होकर हम यही प्रश्न करें कि वो हमें परमात्मा से कैसे मिलवाएंगे। यही वो मांग है, यही वो प्रार्थना है जो हमें संतों की सेवा के बाद में पूछना है, मांगना है। साईं बाबा ने नाना को तो पाठ पढ़ा दिया, लेकिन शायद हम वो पाठ अभी तक नहीं पढ़ पाए। राम भक्ति मनि उर्बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुताके, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। चतुर वही है, सयाना वही है, सूझवान वही है जो अपने घट के भीतर छिपी हुई मनि यानी उस परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए प्रयास करता है, उसकी मांग करता है, उसे पाने की याचना करता है, प्रार्थना करता है। सच्चा सयाना, सच्चा सूझवान तो वही है। आओ कृष्ण अनुरागियों, अपने कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य करें, अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करें, संतों महापुरुषों के पास जाएं, श्रद्धा पूर्वक उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएं, उनसे प्रश्न करें उस मणि की प्राप्ति के बारे में, उनसे प्रश्न करें उस परम सत्ता के बारे में, और उनसे उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। तब जाकर हम प्रभु की दृष्टि में चतुर हैं, सयाने हैं और सूझवान हैं। सांसारिक कामनाओं से बंधे रहेंगे तो कभी प्रभु तक पहुंच नहीं पाएंगे। जो सात्विक बुद्धि के स्वामी हैं, वो भगवान से भगवान को मांग लिया करते हैं, सांसारिक वस्तुओं की कामना नहीं करते। और हिरण्यकशिपु, वो तो तामसिक बुद्धि का स्वामी था, इसलिए उसकी मांग भी सदा सर्वदा अनुचित थी, लेकिन आज उस वरदान को प्राप्त पाकर अभिमान से भर गया। जैसे ही अभिमान से भरा, अट्टहास करते हुए कहने लगा, आज से इस सृष्टि का स्वामी मैं हूँ, इस सृष्टि का भगवान मैं हूँ। अपने राजभवन लौटा, उसे ज्ञात हुआ कि पत्नी कायादु का देवराज इंद्र ने अपहरण कर लिया है। जैसे ही उसकी प्राप्ति के लिए गया, मार्ग में देवर्षि नारद मिले और ज्ञात हुआ कि देवर्षि नारद की कुटिया में कायादु है। नन्हे भक्त प्रहलाद का जन्म हो चुका है। हिरण्यकशिपु की 4 संतानें हैं और सबसे छोटी संतान का नाम है प्रहलाद। बहुत प्रिय है हिरण्यकशिपु को प्रहलाद, और उसकी यह इच्छा है कि मेरे उपरांत अगर इस राज सिंहासन पर कोई आरूढ़ हो तो वो प्रहलाद हो। इसलिए उसकी शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल भेज दिया, जहां शुक्राचार्य जी के पुत्र शंड और अमरक विद्या प्रदान करते हैं असुर बालकों को। आज जैसे ही नन्हा सा प्रहलाद गुरुकुल में आया, असुर बालकों को देखा, सभी को अपना मित्र बना लिया। शंड अमरक ने असुर बालकों से कहा, देखो अब प्रहलाद तुम्हारे साथ रहेगा
अब ये राजकुमार नहीं हमारा विद्यार्थी है और तुम सबका मित्र है। जाओ इसे पूरे के पूरे गुरुकुल को दिखा कर लेकर आओ। जैसे ही असुर बालकों ने सुना बड़े प्रसन्न हो गए, नन्हे से प्रहलाद का हाथ थामा और उसे गुरुकुल घुमाने के लिए ले गए। सबसे पहले प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद हम तुम्हें सबसे पहले मंदिर दिखाएंगे जहां हमारे भगवान की मूरत है। प्रहलाद ने सुना, कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं अपनी शिक्षा का आरंभ प्रभु के चरणों में प्रणाम करने से करूं। असुर बालक गुरुकुल में बने मंदिर में ले गए जहां भगवान की मूरत थी, और वो मूरत किसकी थी? हिरण्यकशिपु महाराज की। असुर बालकों ने मूरत की ओर इशारा किया, कहने लगे कर लो प्रणाम। प्रहलाद ने देखा, कहने लगे नहीं नहीं, ये भगवान थोड़े ना है, ये तो मेरे पिताश्री हैं। असुर बालकों ने कहा, ठीक कहते हो, जो तुम्हारे पिता हैं वही तो भगवान हैं। जैसे ही प्रहलाद ने सुना, कहने लगे ये कैसी बात हुई, फिर तो हर एक राजा अपने आप को भगवान कहने लगेगा, फिर तो कितने ही भगवान बन जाएंगे। असुर बालकों ने सुना, आंखें फटी की फटी रह गई, मुख खुल गया, कहने लगे प्रहलाद कैसी बातें कर रहे हो। प्रहलाद ने कहा, ठीक तो कह रहा हूं, भगवान तो वो होते हैं जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है, जो हमारा पालन करते हैं वही तो हमारे भगवान हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं। असुर बालकों ने सुना, कहने लगे अरे हमारे महाराज, हमारे हिरण्यकश्यपु भगवान भी तो सर्वशक्तिमान हैं। प्रहलाद ने सुना, झट से दौड़ता हुआ मंदिर के बाहर गया, एक वृक्ष की छोटी सी डाल को तोड़ कर ले आया, असुर बालक के हाथ पे रख दी और कहने लगा, अगर तुम्हारे हिरण्यकश्यपु महाराज भगवान हैं और तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो अपने भगवान से कहो इस डाल को पुनः वृक्ष से जोड़ दें। असुर बालक ने सुना, कहने लगे बस इतनी सी बात। डाल को हथेली पर रखा, हिरण्यकश्यपु भगवान की मूरत के सामने रखा, कहने लगे प्रभु इस डाल को वापस वृक्ष से जोड़ दीजिए ना। आंखें खोली, डाल ज्यों की त्यों अभी भी हथेली पर पड़ी थी। प्रहलाद की ओर देखा और तुरंत प्रहलाद की हथेली पर उस डाल को रख दिया। प्रहलाद से कहा, अब तुम अपने भगवान का स्मरण करो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी शक्ति है। नन्हे से प्रहलाद ने नेत्र मूंद लिए, अपने श्री हरि का स्मरण किया, प्रभु ये असुर बालक अज्ञानता के अंधकार में जी रहे हैं, इनके इस अंधकार को दूर कीजिए प्रभु, चमत्कार कर दिखाइए इन्हें। अभी नन्हे से प्रहलाद के नेत्र मुंदे हुए हैं, डाल स्वतः ही प्रहलाद की हथेली से उड़कर वृक्ष से जाकर लग गई। असुर बालकों ने देखा तो देखते ही रह गए, कहने लगे ये कौन है जिनमें इतनी शक्ति है, बताओ हमें। नन्हे से प्रहलाद के मुख से निकला, जय श्री हरि, जय श्री हरि। वो कोई और नहीं, मेरे नारायण है, मेरे भगवान है, शीर सागर में निवास करते हैं वो श्री हरि ही सबके भगवान है। असुर बालक कहने लगे तो ठीक है, आज से हमारे भगवान भी श्री हरि हैं, तो बोलो सब मिलकर जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय श्री हरि। सारा का सारा जो मंदिर का प्रांगण था जय श्री हरि की ध्वनि से गूंजने लगा। शंड और अमरक इस बात से अनभिज्ञ थे। कुछ दिन बीते, हिरण्यकशिपु महाराज को अपने पुत्र का स्मरण हो आया, गुरुकुल से उसे बुलाया, बड़े प्रेम से अपने अंक में बिठा लिया, कहने लगे पुत्र बताओ इतने दिवस तुमने गुरुकुल में कौन सी शिक्षा प्राप्त की है। नन्हे से प्रहलाद ने कहा, पिताश्री गुरुदेव तो मुझे नित्य नया पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन आप जानते हो प्रथम ही दिवस मुझसे असत्य वादन कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने सुना असत्य वादन, कहने लगे क्यों, ऐसा क्या हुआ। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मुझे मंदिर के प्रांगण में भेज दिया जहां आपकी मूरत थी और कहने लगे ये भगवान है। हिरण्यकश्यपु मुस्कुरा दिए, अरे निष्पाप बालक है ना, इसे क्या पता। कहने लगे अरे इस सृष्टि का भगवान मैं ही हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। प्रहलाद ने कहा, नहीं नहीं पिताश्री, आप तो केवल मेरे पिता हैं। हिरण्यकश्यपु ने सुना, अगर मैं पिता हूँ तो भगवान कौन है। प्रहलाद ने कहा, वही जो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है, इस जगत के स्वामी है, वो नारायण ही तो भगवान है, जय श्री हरि। हिरण्यकश्यपु ने ज्यों ही नन्हे से प्रहलाद के मुख से जय श्री हरि का नाम सुना, तुरंत उसे अपनी गोद से नीचे पटक दिया, शंड अमरक को बुलाया और कहा, कौन है जो इसे हरि के पाठ सिखा रहा है, किसने इसके मस्तिष्क में ये कूड़ा भर दिया है,
ले जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर। अरे जिसके नाम से ही मेरे कानों में विष घुल जाता है, ये उसका नाम ले रहा है। इससे पहले हिरण्यकशिपु शंड और मर्क को कुछ कहता, तुरंत उन्होंने प्रहलाद को गोद में उठाया और गुरुकुल वापिस ले आए। कहने लगे, प्रहलाद तुम्हें ये शिक्षाएं कौन देता है? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव जैसे चुंबक की ओर लोहा अपने आप खींचा चला जाता है, उसी प्रकार मैं भी अपने नारायण की भक्ति की ओर, नारायण के चिंतन की ओर खींचा चला जाता हूँ। मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद ने मुझे जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का बल है, उस ज्ञान की शक्ति है कि मेरे नारायण हमेशा मेरे पास रहते हैं, मुझसे दूर ही नहीं। शंड मर्क ने कितना समझाया, कितना प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद था कि हरि की भक्ति को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ दिन बीते, हिरण्यकशिपु ने फिर से प्रेम के वशीभूत अपने पुत्र को बुला लिया, फिर से अंक में बिठाया। कहने लगे, अब तो जान गए, अब तो समझ गए कि भगवान कौन है। प्रहलाद ने कहा, जी पिताश्री, वो जो सर्वशक्तिमान है वही तो भगवान है, वो जिसे मैं अपनी दृष्टि में हमेशा देखता हूँ वही तो भगवान है, जिसके समक्ष सब नतमस्तक हो जाते हैं वही तो भगवान है। हिरण्यकशिपु तो गर्व से फूल गया, मैं ही तो सर्वशक्तिमान हूँ, समस्त देवता जिसके आगे नतमस्तक होते हैं वो मैं ही तो हूँ। कहने लगा, शाबाश पुत्र, आखिरकार तुमने मुझे अपना भगवान स्वीकार कर ही लिया। प्रहलाद ने कहा, नहीं नहीं पिताश्री, नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं, मैं तो अपने श्री हरि की बात कर रहा था। फिर से हरि का नाम लिया और इस बार तो हिरण्यकशिपु अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इससे पहले कुछ कहता या करता, पत्नी कयादु आई, क्षमा कीजिए स्वामी, क्षमा कीजिए, बच्चा है, बालक है, मैं समझाऊंगी, समझ जाएगा। कयादु प्रहलाद को कक्ष में ले गई। कहने लगी, प्रहलाद क्यों ऐसा हट करता है? अरे मान जाना अपने पिता को भगवान, छोड़ दे हरि की भक्ति, छोड़ दे नारायण को। धन्य से प्रहलाद ने कहा, माँ ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं नारायण को छोड़ना भी चाहूं तो भी मेरे नारायण मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं अपने नारायण से बंध गया हूं, उसे छोड़ नहीं सकता। माँ ने कहा, क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? क्या तुझे भय नहीं कि तेरे पिता तुझे कैसा दंड देंगे? नन्हे से प्रहलाद के मुख से जो आज बात निकली वो हतप्रभ कर देने वाली थी। कहने लगा, माँ देवर्षि नारद ने मुझे सच का पथ दिखाया है और इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए मार्ग में बाधा आएगी, मैं जानता हूँ, कष्ट आएंगे, अवरोध आएंगे, उपहास होगा, लेकिन मैं उन सब से लड़ जाऊंगा, उन सब को पार कर जाऊंगा, क्योंकि माँ मैं सच के पथ का राही हूँ और मुझे हर एक संघर्ष को पार कर आगे बढ़ना है। उस समय नन्ना प्रहलाद अपनी माँ के समक्ष क्या कहता है, आइए सुनते हैं। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा। नारायण जब साथ है मेरे, नारायण जब साथ है मेरे, भय मुझको फिर क्या। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा। नन्हे प्रहलाद ने अपनी माँ के समक्ष एक ऐसे सत्य को उजागर कर दिया जिस सत्य के मार्ग का पथिक बना था प्रहलाद। उस सत्य के पथ पर चलते हुए नन्हे से प्रहलाद के जीवन में
कितनी ही आपदाएं विपदाएं क्यों ना आए, लेकिन वो उस पथ का त्याग नहीं कर सकता। माँ के समझाने पर भी प्रहलाद नहीं माना। तभी एक सेवक ने आकर सूचना दी कि हिरण्यकश्यपु महाराज प्रहलाद को राजभवन में बुला रहे हैं। प्रहलाद राजभवन में गया, पिता के चरणों में दूर से ही प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बताओ क्या अब अपने इस मुख से हरि का नाम लोगे? प्रहलाद ने सुना, कहने लगे, पिताश्री मुझसे अधिक हरि की भक्ति आप करते हैं। सुबह शाम दिन रात आपके मुख पर श्री हरि का ही नाम सजा रहता है, मुझसे ज्यादा तो हरि के भक्त आप हैं। हिरण्यकश्यपु ने सुना, कहने लगा, बस पुत्र होकर पिता को उपदेश दे रहा है, लगता है इस प्रकार तू नहीं मानेगा। सभी सभासदों से कहा, निकालो अपनी खड़ग और इसी समय इसके देह पर ऐसे घाव करो कि इसके मुख से हरि का नाम उच्चारित ना हो। सभी के सभी सभासद उठ खड़े हुए, हाथों में खड़ग को थाम लिया और हमारे प्रहलाद ने नेत्र मूंद लिए, अपने हरि के चिंतन में लीन हो गए। खड़ग से बार बार प्रहार हो रहा है, लेकिन एक भी प्रहार प्रहलाद की देह को क्षति नहीं पहुंचा रहे, बल्कि जिन हाथों से खड़ग को पकड़ा है उन हाथों में से रक्त की धारा बहने लगी, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जैसे हिरण्यकश्यपु ने देखा, कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे खड़ग की धार को क्या हो गया है? अरे मैं कहता हूँ ऐसा प्रहार करो, इस नराधम को इसी समय तुम मृत्यु दे दो। कितना प्रयास किया लेकिन प्रहलाद को मृत्यु क्या एक खरोंच भर नहीं आई। उस समय सभी हताश निराश होकर खड़ग हाथ से गिर गई और सभी अपने आसन पर जाकर बैठ गए। नन्हे प्रहलाद ने उस समय उस पूरी राज्य सभा के भीतर कुछ कहा और वो क्या कहता है, मृत्यु डरा नहीं सकती मुझको इन पैनी तलवारों से, रक्षा कवच बन कर श्री हरि ही रक्षा करेंगे प्रहारों से। मृत्यु डरा नहीं सकती मुझको इन पैनी तलवारों से, रक्षा कवच बनकर श्री हरि ही रक्षा करेंगे प्रहारों से। अंतिम क्षण तक जीवन मेरा, अंतिम क्षण तक जीवन मेरा भक्ति से होगा भरा। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा। नन्हे से प्रहलाद ने आज फिर से सभी सभासदों के समक्ष ये उजागर कर दिया कि वो मृत्यु की पीड़ा से भी भयभीत नहीं, किसी भी अस्त्र और शस्त्र से भयभीत नहीं, वो केवल नारायण का भक्त है और अपनी भक्ति पथ पर हमेशा बढ़ता रहेगा। कोई भी विपदा, कोई भी अवरोध उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। हिरण्यकश्यपु, जिसका क्रोध अब सातवें आसमान पर था, दंडनायक को बुलाया, कहने लगा, दंडनायक अभी इसी क्षण इसे ले जाओ और सागर की उफनती लहरों में डाल दो। अरे मैंने तो सुना था कि पुत्र कुल का दीपक होता है और दीपक तो घर में प्रकाश करता है, लेकिन ये कैसा कुल दीपक है जो मेरे ही घर का विनाश करने के लिए पैदा हुआ है। इसी क्षण इसे मृत्यु दान दो, इसे ले जाकर सागर की उफनती लहरों में फेंक दो। दंडनायक प्रहलाद को ले गए, ऊंची चोटी पर खड़े हैं,
सागर की उफनती लहरों को देखा, कहने लगे प्रहलाद, अब भी समय है, अब भी हिरण्यकश्यप महाराज को भगवान मान लो। नन्हे प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़े, बुलंद स्वर में कहा, जय श्री हरि, जय श्री हरि। दंड नायक समझ गया कि ये नहीं मानने वाला, गोद में उठाया प्रहलाद को और सागर की लहरों में गिरा दिया। क्योंकि हरि का स्मरण किया है, ईश्वर पर विश्वास हो जिसका अपरंपार, ऐसे भक्त का साथ देने के लिए तो हमारे प्रभु प्रकट हो जाया करते हैं। अपने कमल के पुष्प को आज उन उफनती लहरों में प्रकट कर दिया, और जैसे एक नन्ना सा बालक पलने में पड़ाया हो, ठीक ऐसे ही प्रहलाद उस नन्हे से पुष्प के अंदर सुसज्जित हो गया। प्रहलाद की रक्षा हुई, वापिस आ गया दंडनायक और सैनिकों के पास। जैसे ही दंडनायक और सैनिकों ने देखा, कहने लगे, भूत भूत भूत। प्रहलाद ने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं प्रहलाद हूँ, और मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा की है। और आज उन सैनिकों और दंडनायक को भी समझाते हुए प्रहलाद कुछ कहता है, आइए श्रवण करते हैं। सागर की लहरें भी मुझको कभी डुबा नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ सदा है श्री हरि की भक्ति। सागर की लहरें भी मुझको कभी डुबा नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ सदा है श्री हरि की भक्ति। तर जाते पाषाण भी सागर, तर जाते पाषाण भी सागर, सुनो गहरा, तर जाते पाषाण भी सागर कितना हो गहरा। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा। दंडनायक ने जो ही प्रहलाद के मुख से झरते इन शब्दों को सुना, वो समझ गया कि ये नहीं समझेगा, लेकिन हिरण्यकश्यप महाराज के समक्ष जाकर ये सत्य कौन बताएगा कि प्रहलाद अब भी जीवित है। सैनिकों ने कहा, महाराज जाना तो आपको ही होगा। आंखों में अश्रु लिए दंडनायक पहुंच गया। हिरण्यकश्यप भगवान की जय हो, हिरण्यकश्यप भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप ने दंडनायक की आंखों में अश्रु देखे, प्रसन्न हो गया, गले से कंठ माल को निकाला और उसे दंडनायक की ओर फेंक दिया। शाबाश, तुमने उस दुष्ट को मृत्यु दंड दे दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दंडनायक ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, सागर की उफनती लहरों में फेंका है, लेकिन फिर भी वो बालक जीवित है। हिरण्यकश्यप ने सुना, जीवित है, अगर उसके हरि ने यह संकल्प लिया है कि उसे मृत्यु नहीं आएगी, तो इस हिरण्यकश्यप ने भी संकल्प लिया है कि उसे मृत्यु देकर ही रहेगा। जाओ एक गजेंद्र को इतनी मदिरा का सेवन करवाओ कि जैसे ही प्रहलाद उसके सामने आए, एक पद प्रहार से उसके प्राण पखेरु उड़ा दे। गजेंद्र को मदिरा पिलाई गई, महावत गजेंद्र पर सवार है और प्रहलाद को गजेंद्र के समक्ष खड़ा कर दिया गया। गजेंद्र ने देखा, अरे ये तो श्री हरि का भक्त है, इसके मुख पर तो जय श्री हरि सजा हुआ है। हरि ने एक बार मेरे जाति वाले की रक्षा की थी, तो मैं इसे क्षति कैसे पहुंचा सकता हूँ। महावत
बार बार हाथी को प्रहलाद की ओर उन्मुख कर रहा है, तभी हाथी ने अपनी सूंड में महावत को लपेटा और एक जोरदार उछाल दिया और महावत के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर अपनी सूंड में प्रहलाद को लपेटा और पीठ पर बिठा लिया। सारे नगर की यात्रा हो रही है, पूरे नगर में जय श्री हरि की ध्वनि गूंज रही है। नगर वासियों ने सुना, रे इतने वर्षों के पश्चात हरि के नाम का गुणगान करने वाला कौन है? घरों से बाहर आए, देखा हाथी पर सवार है राजकुमार प्रहलाद और उनके मुख पर सजा है हरि के नाम का संकीर्तन। नगर वासियों ने पूछा, प्रहलाद क्या तुम्हें भय नहीं अपने पिता का? उस समय बड़े गर्व से भरकर, पूरे उत्साह से भरकर हमारा नन्ना भक्त प्रहलाद उन नगर वासियों से क्या कहता है? को चल नहीं सकता है ये गज मेरे दृढ़ विश्वास को, विपदाएं अब छल नहीं सकती नारायण के दास को। सकता है ये गज मेरे दृढ़ विश्वास को, विपदाएं अब छल नहीं सकती नारायण के दास को। चाहे बैरी हो जग सारा, चाहे बैरी हो जग सारा, मुझे नहीं परवाह। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा। नारायण जब साथ है मेरे, नारायण जब साथ है मेरे, भय मुझको फिर क्या। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा। सत्य के पथ का पथिक बनूं मैं, है यही लक्ष्य मेरा, है यही लक्ष्य मेरा, लक्ष्य मेरा। नन्हा प्रहलाद, समस्त नगर वासियों के समक्ष इस रहस्य को प्रकट कर देता है कि मैं सत्य के पथ का राही हूँ, सत्य के पथ का पथिक हूँ। कोई भी बाधा, कोई भी मार्ग की रुकावट मुझे रोक नहीं सकती। सोचकर देखिए, 4 से 5 वर्ष का एक बालक है, नन्हा बालक, लेकिन फिर भी जीवन में आने वाली समस्याएं, विपदाओं का कितनी दृढ़ता से सामना करता है। सच में हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रहलाद। कहते हैं कि एक बार एक दुखी राम था और एक विवेकी था, दोनों रास्ते में मिल गए। दुखी राम का चेहरा उतरा हुआ था, विवेकी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा जीवन में बड़े दुख हैं, बड़े संकट हैं, बड़ी समस्याएं हैं। विवेकी ने कहा फिर तो मुबारक हो। दुखी राम ने कहा ये कैसी बात हुई? अरे मलहम लगाना तो दूर, तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। विवेकी ने कहा अरे नहीं, प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टॉप लाइंस, दे आर गाइडलाइंस। संघर्ष जीवन के उत्कर्ष हुआ करते हैं,
वो मार्ग प्रशस्त किया करते हैं। इन संघर्षों से सीखो तो सही। कितनी सुंदर बात है और कितनी गूढ़ बात है। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, आपदाएं आती हैं, हम जीवन का फुल स्टॉप मान लेते हैं, जीवन का अंत मान लेते हैं, जबकि ये जीवन का अंत नहीं है। ये तो वो छोटे छोटे पाषाण हैं जिन्हें लगाकर हम उत्थान की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, अपने मार्ग को और भी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ये तो वो समस्याएं हैं। इन समस्याओं से लड़ने में, इन समस्याओं को परास्त करने में हम कैसे सफल हों, हम आपके लिए एक फॉर्मूला लेकर आए हैं। ये फॉर्मूला है 3 O W, जिसके 3 steps हैं नाउ, हाउ एंड वाओ। नाउ मतलब जब भी कोई समस्या आए तो उससे भागे नहीं, उससे जूझे, उससे लड़े। विवेकानंद जी के जीवन का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि एक बार रास्ते से जा रहे थे, कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। विवेकानंद जी भागने लगे, बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। तभी आवाज आई कहीं से, ठहरो, भागो नहीं, रुक कर इनका सामना करो। विवेकानंद जी रुक गए, बंदर भी पीछे रुक गए। विवेकानंद जी पीछे मुड़े और उन्हें घूर कर देखा, सारे के सारे बंदर वहां से भाग गए। विवेकानंद जी इस घटना से स्पष्ट करते हैं कि इसी तरह जीवन में समस्याएं आती हैं, आप उनसे भागे नहीं, फ्लाइट नहीं, फाइट करें, उनसे लड़े, उनसे जूझे, तो देखना उस समस्या का निवारण भी आपको अवश्य मिलेगा। किसी ने कहा, अरे जीवन में बड़ी समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। सामने वाले ने कहा, समस्याएं खड़ी हैं तो खड़ी रहने दो, एक दिन अपने आप थक कर बैठ जाएंगी, एक दिन अपने आप शांत हो जाएंगी। इसलिए समस्याओं से भागना ये कोई निवारण नहीं है, समस्याओं से लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। सेकंड स्टेप आता है हाउ, कैसे लड़े। सबसे पहली बात, समस्याओं को कभी बड़ा चढ़ाकर ना देखें। कई बार समस्याएं छोटी होती हैं और हम उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। और दूसरी बात, समस्याओं से लड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल अपनाएं। जब अंग्रेज इस धरती पर आए, उन्होंने यही नीति अपनाई। वो जानते थे भारतवासियों की एकता को खंडित किए बिना इसे गुलाम बनाया नहीं जा सकता। उन्होंने तोड़ा, बांटा और हमें गुलाम बनाया। प्रॉब्लम्स को भी तोड़ो, ब्रेक करो और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो, देखना आप सफल होगे। आपको याद होगा जब स्कूल में क्वेश्चन पेपर आता था तो सबसे पहले जो आसान आसान क्वेश्चंस होते थे, जिनके आंसर हमें अच्छे से रटे होते थे, हम सबसे पहले उसे नोट डाउन करते थे। इससे क्या होता था, एक तो हमारा प्रेशर कम हो जाता था, हमारे क्वेश्चंस कुछ सॉल्व हो जाते थे और अंदर एक मनोबल जाग जाता था और हम बाकी क्वेश्चंस भी कर लेते थे। ऐसा ही करना है, समस्याओं को बांट दो और थोड़ी थोड़ी कर उसे हल करने का प्रयास करो, समस्या हल हो जाएगी। और तीसरी बात, कोई भी समस्या सामने खड़ी हो, कभी भी हड़बड़ी में उसे सॉल्व ना करें, आराम से बैठकर सोचें, विचारें और तब देखना आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। एक बार एक युवक नौकरी के इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। उसका ऑफिस था 10वीं मंजिल पर। जो इंटरव्यू लेने बैठे थे उन्होंने उस युवक से कहा, ये सामने खिड़की देख रहे हो, इस खिड़की से कूद जाओ, अगर बच गए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। सामने प्रॉब्लम है। युवक ने थोड़ा मनन चिंतन किया, थोड़ा विवेक लगाया और खिड़की पर चढ़ा और अंदर की ओर कूद गया और वो सिलेक्ट हो गया जॉब के लिए। यानी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है, अगर समस्याओं को आराम से सुलझाया जाए तो वो समस्याओं का निवारण भी सुनिश्चित आपको मिलेगा। और जब आप समस्याओं को सुलझा लेंगे तब जीवन में होगा वाओ। लोग कहेंगे, देखा इसके जीवन में कितनी आपदाएं आई, कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इसने हर एक को फेस किया और आगे बढ़ गया। और तब आपके जीवन में एक सच्चा बदलाव आप देखेंगे। प्रहलाद का जीवन देख रहे हैं, अपने आप में प्रहलाद एक सुपर हीरो है, एक एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, कि प्रॉब्लम्स को फेस कर आगे बढ़ना होता है तब सफलता मिलती है।
आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे, 1978 से पहले हम सुपर हीरोज को, सुपरमैन को केवल कॉमिक्स में पढ़ते थे, याद है? शॉप पर जाते थे, कॉमिक्स को बोरो करके लाते थे, पैसे देते थे और फिर पढ़ के रिटर्न कराते थे। लेकिन 1978 में सुपरमैन ऐसी पिक्चर बनाने के बारे में लोगों ने सोचा और उसके लिए जो हीरो सिलेक्ट हुआ वो थे क्रिस्टोफर रीव, क्योंकि उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो कॉमिक्स के सुपरमैन से बहुत मैच करता था। देखते ही देखते फिल्म बन गई और सुपर डुपर हिट रही। सुपरमैन 1 बनी, सुपरमैन 2 बनी, सुपरमैन 3 बनी, तीनों की तीनों हिट। 1996 में एकेडमिक अवार्ड्स थे, क्रिस्टोफर रीव से मिलने के लिए 20,000 से लेकर 30,000 तक उनके फैंस वहां मौजूद थे। लेकिन यह नहीं जानते थे कि क्रिस्टोफर आएंगे या नहीं आएंगे, जानते हैं क्यों? उससे 3 महीने पहले हॉर्स राइडिंग के समय वह घोड़े से गिर गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां नेक से नीचे का पूरा जो उनका शरीर था वो लकवा से ग्रस्त हो गया। इसलिए सब दुविधा में थे कि क्या क्रिस्टोफर यहां अपने फैंस से मिलने के लिए आएंगे। क्या लगता है आपको, आए होंगे? वो सच में आए, व्हीलचेयर पर बैठकर आया वो सुपर हीरो, और आकर उन्होंने अपने फैंस को यही कहा कि एक बात को हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम्स जिंदगी में आती हैं, प्रॉब्लम्स को जिंदगी मत मान लेना। अगर तुम्हारे अंदर उत्साह जोश है तो तुम हर प्रॉब्लम को पार करके आगे बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टॉप लाइंस, दे आर गाइडलाइंस। ऐसी स्पीच दी कि उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और ये कहा गया कि वो रियल लाइफ के नहीं, रियल लाइफ के भी सुपर हीरो हैं, सुपरमैन हैं। ऐसे ही सुपर हीरो आप भी बन सकते हो। क्यों छोटी छोटी समस्याओं से हताश और निराश होकर अपने जीवन को खत्म करने के लिए चल देते हो? नहीं, जरा बैठकर सोचो, विचारो, हर समस्या का समाधान मिलेगा, और इन समाधान को प्राप्त करते हुए आप सफलता को भी प्राप्त करोगे, ये सुनिश्चित है। अपनी लाइफ के सुपर हीरो आप खुद हैं, इसलिए प्रॉब्लम को फेस करिए, आगे बढ़िए। नन्ना प्रहलाद यही समझा रहा है। कितनी बाधाएं आई, कितनी समस्याएं आई, कितने अवरोध आए, लेकिन प्रहलाद सबको पार कर गया। नगर के भीतर हरि के नाम का संकीर्तन हो रहा है। जो ही सेवक ने आकर यह बात हिरण्यकश्यपु महाराज को बताई, तिलमिला गया। तभी भवन में आगमन होता है हिरण्यकश्यपु की बहन सिहिका का। अपने भ्राता को इस प्रकार उदास देखा, कहने लगी, भ्राता श्री क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे ये जो मेरा पुत्र है, ये पुत्र नहीं कुलघाती है, कुलघाती। अरे बार बार उस विष्णु का नाम लेता है जिस विष्णु ने मेरे भ्राता श्री का वध किया था। सिहिका ने सुना, कहने लगे, तो इसमें परेशानी क्या है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे कितनी बार इसे मृत्यु दंड देना चाहा, लेकिन न जाने कैसे बच जाता है। सिहिका ने कहा, चिंता मत कीजिए, मुझे अग्निदेव ने वरदान दिया है, मैं इस वसंतोत्सव पर एक ऐसा प्रदर्शन करूंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, और सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं सभी राज्य वासियों के समक्ष नन्हे प्रहलाद को गोद में बिठाऊंगी, और आप अग्नि प्रज्वलित कर देना। मैं तो अग्नि की लपटों से बच जाऊंगी, लेकिन इस प्रदर्शन के चलते प्रहलाद अग्नि के सुपुर्द हो जाएगा और वह मर जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने सुना, कहने लगे, उत्तम, अति उत्तम। और तभी अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ संपूर्ण नगर में मुनादी पिटवा दो कि इस बार का जो वसंतोत्सव है वो बहुत खास है, और उसे देखने के लिए सभी नगर निवासी यहां अवश्य आए। सेवक गया और सारे नगर में मुनादी पिटवा दी, सुनो सुनो सुनो, समस्त नगर वासियों ध्यान से सुनो, हिरण्यकश्यपु भगवान ने वसंतोत्सव पर आप सभी को आमंत्रित किया है। इस वसंतोत्सव की जो खासियत है वो है हिरण्यकश्यपु महाराज की बहन सिहिका का प्रदर्शन। आओ और आकर उनका प्रदर्शन अवश्य देखो। सारे जगह में ये मुनादी पिटवा दी गई। नगरवासी उस दिन सुबह सुबह ही उस क्षेत्रफल में पहुंच गए जहां पर ये सारी तैयारी संपन्न की गई थी।
सिंहिका ने नन्हे प्रहलाद को बुलाया, कहने लगी, प्रहलाद क्या अपनी बुआ की गोद में नहीं बैठोगे? नन्ना प्रहलाद जाकर अपने बुआ की गोद में बैठ गया और अपने प्रभु के नाम से जुड़ता चला गया। हिरण्यकश्यपु की बहन सिंहिका ने अपने भ्राता श्री को इशारा किया कि अब अग्नि प्रज्वलित की जाए। ज्यों ही अग्नि प्रज्वलित की गई, धीरे धीरे लपटे बढ़ने लगी। नन्ना प्रहलाद तो आंखें मूंदे अपने प्रभु का स्मरण कर रहा है। उन अग्नि की लपटों ने प्रहलाद को स्पर्श नहीं किया, वो तो सिंहिका को जलाने लगी। और यह देख सिंहिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ भ्राताश्री, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, अग्नि देव का वरदान असफल हुआ है, अरे ये अग्नि मुझे जला रही है। इससे पूर्व हिरण्यकश्यपु कुछ करता, सिंहिका जलकर राख हो गई और नन्ना प्रहलाद सुरक्षित उस अग्नि में से बाहर आ गया। नगर वासियों ने देखा, कहने लगे, वाह प्रभु वाह, कैसी लीला है आपकी। इस अग्नि के भीतर कोयला और सोना दोनों थे। कोयला जलकर राख हो गया और सोना कुंदन बनकर बाहर आ गया। ये नन्ना सा प्रहलाद कोई साधारण भक्त नहीं है, ये तो प्रभु का सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त। और उस दिन हमारे श्री हरि ने ये घोषणा कर दी कि आज से सिंहिका को सब होलिका के नाम से याद करेंगे। पाप और वासना की होलिका जलाकर सब के सब उस रंगों की होली में डूब जाएंगे, जैसे आज हिरण्यकश्यपु महाराज की नगरी में हो रहा है। किसी को हिरण्यकश्यपु महाराज का भय नहीं, सब प्रहलाद का मुख देख रहे हैं, प्रहलाद की उस भक्ति का दर्शन कर रहे हैं और बारंबार अपने मुक्त कंठ से प्रभु का जय जयकार कर रहे हैं। प्रहलाद को लेकर अबीर गुलाल की वर्षा होने लगी। हिरण्यकश्यपु महाराज के भय को बुलाकर सभी के सभी भक्ति के रंगों में रंगने के लिए सज्ज हो गए। तो क्या आप भक्ति के रंगों में रंगने के लिए सज्ज हैं, तैयार हैं? तो दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए आइए, होली में भक्त कैसे अपने प्रभु का स्मरण करते हैं और कैसे रंगों में डूब जाते हैं, आइए श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। काफी समय से पूज्य कथाव्यास साध्वी आस्था भारती जी के माध्यम से हम सभी प्रभु की दिव्य लीलाओं का रसपान कर रहे थे। आइए अब समय है होली उत्सव के पूजन का। आइए अब हम पूजन में सम्मिलित होते हैं। हमारे साथ आज के हमारे उत्सव यजमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए अब उत्सव का पूजन करेंगे। ओम गंगेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृहताम् स्नानीयं जलं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, युवा सुभासा परवीतागा शौश्यान भवति जायमान तंग धीरा सकबिन्ति स्वाद्यो मनसा देवेन्त, वस्त्रं समर्पयामि, तिलकं च लेपयामि। ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामाद चैव सिंदूरं प्रतिगृहताम्। अक्षतं समर्पयामि, अक्षताश्च सुश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता गृहाणं परमेश्वर। अक्षतं समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ओं माल्यादिनि सुगंधिनि मालत्यादिनि वे प्रभु, मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहताम्। पुष्पमाल्यं समर्पयामि तदुप्रान्ते, वस्त्रं समर्पयामि तदुप्रान्ते, नैवेद्यमिति निवेदयामि। ओम इदं फलं मया देवस्थापितं पुरस्तत्वा तेन मे सप्लार्व्याप्ति भवे जन्मनि जन्मनि, ऋतुफलं समर्पयामि तदुप्रान्ते, आचमन्यं जलं समर्पयामि, अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प और दक्षिणा ले लीजिए। ओम कस्तूरी तिलकम लाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मुक्तिकम करतले वेणुके कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो, ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। प्रणाम कर लेंगे।
एक बार जयकारा प्रभु के श्री चरणों में लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए आग्रह करते हैं अब पूज्य कथा व्यास से कि आगे की कथा का हमें श्रवण करवाएं। तन मन होवे मस्त मलंग यूं भक्ति रंग चढ़ारे प्यारे, जीता है हरि भक्त आज फिर और दुष्ट है बाजी हारे। मन होवे मस्त मलंग यूं भक्ति रंग चढ़ा ले प्यारे, जीता है हरि भक्त आज फिर और दुष्ट है बाजी हारे। झूम झूम ले मन झूम झूम ले, जीवन को जो सजाए वो होली है। तन झूम झूम ले मन झूम झूम ले, जीवन को जो सजाए वो होली है। रंग रंग ले रे रंग ले रे रंग ले रे भक्ति के रंगों की होली है। रंग रंग ले रे रंग ले रे रंग ले रे रंग ले रे भक्ति के रंगों की होली है। रंग रंग ले रंग रंग ले रंग रंग ले रंग रंग ले रे भक्ति के रंगों की होली है। रंग रंग ले रंग रंग ले रंग रंग ले रंग रंग ले रे भक्ति के रंगों की होली है। सब करे जय जयकार, ऐसे भक्तों पे जब आए कर
चलता जल तू यही जीवन सार है प्यारे। भक्त प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद की जय। श्री हरि की जय। होली के रंग चारों ओर उड़े, सारे भक्त बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आज होलिका का दहन हुआ है और भक्त की विजय श्री हुई है। हिरण्यकशिपु आवेश में है, अपने राजभवन में पहुंच चुका है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता हुआ पैर पटक रहा है, कैसे इस आतताई को मृत्यु दंड दूं? उससे रुका नहीं गया, गया और नगर की वीथियों में होली में जो सभी के सभी मस्त थे, उसी भीड़ में से उसने प्रहलाद को ढूंढा, उसकी भुजा को कसकर पकड़ा और उसे राजभवन में घसीटता हुआ ले आया और लाकर धरा पर पटक दिया। प्रहलाद उठा, उठकर अपने पिता श्री के चरणों में प्रणाम करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, हिरण्यकशिपु ने कहा, बस तुझसे पहाड़ी की ऊंचाई हार सकती है, सागर की गहराई हार सकती है, तुझसे अग्नि पराजित हो सकती है, लेकिन तुझसे हिरण्यकशिपु भगवान पराजित नहीं होगा। जैसे ही प्रहलाद ने यह सुना, कहने लगा, पिताश्री शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्रभु की भक्ति कीजिए, उसी में ही सुख और आनंद है। हिरण्यकशिपु ने सुना, कहने लगा, बस तुझे कितनी बार कहा है कि वो तेरे चाचा का हत्यारा है, हत्यारा, और तू बार बार उसी का नाम मेरे समक्ष लेता है। अरे बता, बता वो हरि कहाँ है? प्रहलाद ने सुना, कहने लगे, पिताश्री वो हरि तो कण कण में विराजमान है, अपने हाथ में गदा को पकड़ लिया, कहने लगा, बता क्या इस खंब में भी तेरा हरि है? नन्हे प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, हाँ। कहने लगा, ठीक है, आज तेरी आंखों के समक्ष में पहले तेरे हरि का वध करूंगा और फिर तेरा। उसी समय गदा को हाथ में लिया, एक जोरदार प्रहार किया, खंब दो टुकड़ों में विभाजित हो गया और उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, जिनका मुख तो सिंह के आकार का था और जो धड़ था वो मानव आकार का था। हिरण्यकशिपु ने देखा, ये कौन है? हो ना हो, ये वो नारायण होगा, वो छलिया जो बारंबार अनेक अनेक रूप धारण करता है। गदा लेकर प्रभु से युद्ध करने लगा, प्रभु भी युद्ध करने में लीन रहे। फिर प्रभु ने जोरदार अट्टहास किया, प्रहार किया, हिरण्यकशिपु की जो गदा थी वो दूर जाकर गिरी, दूसरे प्रहार से उसके राज मुकुट को भी गिरा दिया,
केशों से खींचते हुए घर की दहलीज पर ले गए और अपनी जंगा पर लिटा लिया। हिरण्यकशिपु अब भी भयभीत नहीं, लेकिन आज हमारे प्रभु कुपित हैं, कहने लगे, हे दुर्बुद्धि, हे मंदमति, खोल आंख और देख जरा, अंत तेरे आतंक का निश्चित काल तेरे सम्मुख है खड़ा। हिरण्यकशिपु ने कहा, काल? अरे नहीं, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात्रि में मरूंगा। प्रभु कहने लगे, अफसोस, तू देख नहीं पा रहा है, इस समय ना दिन है ना रात्रि, ये सायंकाल है सायंकाल। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान है, ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। प्रभु ने कहा, मोड़, ध्यान से देख, ना ये घर के अंदर है ना बाहर, तुझे घर की दहलीज पर लेकर बैठा हूँ। जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना, कहने लगा, नहीं नहीं, तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे ना देव मान सकते हैं ना दानव, ना मानव पराजित कर सकते हैं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रभु कहने लगे, बस ध्यान से देख मेरी मुखाकृति की ओर, ना मैं देव हूँ ना मैं दानव हूँ, ना मैं पशु हूँ ना मैं मानव हूँ, तेरे लिए नृसिंह का अवतार लेकर आया हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, लेकिन लेकिन तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मैं अमर हूँ अमर। प्रभु ने कहा, बस बहुत हुआ तेरा ये व्यर्थ प्रलाप, ना ही अस्त्र से ना ही शस्त्र से, आज मैं अपने नखों से तेरा वध करूंगा। और उसी समय हमारे प्रभु ने अपने नखों से उसके उदर को फाड़ दिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। हिरण्यकशिपु धरा पर गिर गया। जिसके पाप से, जिसके अत्याचारों से संपूर्ण धरा आकुल और व्याकुल थी, आज उसी मिट्टी में सना हुआ धरा पर पड़ा है। सभी देवताओं ने जब प्रभु के इस विराट स्वरूप को, इस अद्भुत रूप को देखा, तो प्रभु का जय जयकार करने लगे। बोलिए, नृसिंह भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल श्री हरि की जय, भक्त प्रहलाद की जय। हमारे प्रभु इतने कुपित हैं कि उनके क्रोध को शांत करना किसी के बस की बात नहीं थी। नन्ना प्रहलाद आगे बढ़ा, कहने लगा, प्रभु शांत हो जाइए। प्रभु उसकी वाणी को सुनते ही शांत हो गए और प्रेम से भरकर प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। इतने आनंदित हैं कि उसके कपोलों को अपनी जीभा से चाट रहे हैं। कहने लगे, मांगो प्रहलाद, मुझसे कुछ मांगो। नन्हे प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद का राज तिलक किया और हमारे प्रभु अंतर्धान हो गए। नन्ना सा प्रहलाद धर्म के मार्ग पर अडिग बना रहा और उसकी रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु को आना पड़ा। सज्जनों, ये वो गाथा है जो नन्हा सा बच्चा भी आपको ज्यों का त्यों सुना देगा। दो ही इतिहास के ऐसे प्रसिद्ध भक्त हैं, ध्रुव और प्रहलाद, जिनकी गाथाएं नन्हे नन्हे बच्चों को मुंह जबानी है, उन्हें याद है। लेकिन इन कहानियों को सुनने का लाभ क्या है, ये बताइए। कहानी को सुनने का लाभ तब होता है जब उस कहानी की प्रेरणा को हम अपने जीवन में उतार लें। भक्त प्रहलाद की गाथा को अनेकों बार सुना और सुनते भी रहेंगे, लेकिन क्या हमारा जीवन प्रहलाद जैसा बन गया? क्या हमें ध्रुव जैसी भक्ति मिल गई? नहीं, अभी हम इनसे अछूते हैं। देखा आपने कैसे हमारे प्रभु क्षण भर की भी देरी किए बिना अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आए। लोग अक्सर कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कहते हैं ना, सुना है? आज मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी। मानते हैं कि भगवान के घर में अंधेर तो बिल्कुल नहीं है, पर भगवान के घर में देर भी नहीं है। याद कीजिए उस समय को जब द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था। द्रौपदी अपने रिश्ते नातों की ओर देख रही थी। कृष्ण के समक्ष भोजन की थाल पड़ी है, लेकिन भोजन मुख में नहीं जा रहा। रुक्मणी ने पूछा, क्या हुआ? कृष्ण ने कहा कि मेरा भक्त संकट में है। रुक्मणी ने कहा, जाइए ना, रक्षा कीजिए। कृष्ण ने कहा, वो आवाज ही नहीं लगा रहा। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने आवाज लगाई, तो आप सब जानते हो उस राज्यसभा में कौन सा चमत्कार घटा। एक साधारण सा जीव है गजेंद्र, जब ग्रह के चंगुल में फंस गया,
अपने रिश्ते नातों की ओर देख रहा था, इसलिए मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया। जब लग गज बल अपनो बरतियो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल भय बल राम पुकारे, आए आधे नाम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। जब प्रभु का स्मरण किया तो आधा नाम ही निकला था, और हमारे प्रभु नंगे पांव दौड़े चले आए उसकी रक्षा के लिए। बताओ क्या देरी प्रभु की ओर से है? नहीं। सोच कर देखिए, हमारे प्रभु की प्रतीक्षा अब तक पूरी क्यों नहीं हो रही? क्यों उनका अंश अपने अंशी में नहीं मिल पा रहा? क्यों? तीन तरह के लोग दिखाई देते हैं सृष्टि में, इस दुनिया में। पहले वो जिन्हें ईश्वर से कोई लेना देना ही नहीं है, जिन्होंने अपने सृजेता, अपने लक्ष्य को पूर्णतः भुला दिया है, उनकी लाइफ में भगवान का कोई स्थान नहीं। वो तो कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो करो आनंद, किसने देखा परमानंद। उनकी लाइफ में, उनके जीवन में भगवान का कोई स्थान नहीं, इसलिए प्रभु उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर मिलता है, ईश्वर दिखता है, यह स्वीकार नहीं करते हैं। क्या हमने भगवान को कभी पुकारा? क्या कभी उसे खोजा? कभी खोजने की कोशिश की? नहीं। बिना खोजे ही, बिना उसकी चाह मन में लिए हमने कह दिया भगवान होता ही नहीं। जबकि भगवान क्या कहते हैं? खोजी हो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तुझसे अलग कहां हूं, विलग कहां हूं, एक बार अपने अंतर में झांक कर देख, मैं तेरे पास हूं, एक बार खोज कर तो देख। लेकिन ऐसे भक्तों ने खोज रखी ही नहीं, इसलिए उनकी भी भगवान प्रतीक्षा में है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भगवान मिल जाए, प्रयास भी बहुत हैं, लेकिन उन्हें मिलते नहीं। क्यों? घर में तिजोरी है, आपके पास चाबी है, आप उसे खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो तिजोरी खुल नहीं रही। बता सकते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि चाबी उल्टी दिशा में घुमाई जा रही है। प्रयास हम करते हैं, लेकिन प्रयास सही दिशा में भी तो हो, तभी तो भगवान मिलेंगे। बांके बिहारी के दर्शन करने मथुरा एक भक्त पहुंचा। सोचने लगा प्रभु के दर्शन करके आऊंगा, और जैसे ही रेलवे स्टेशन से उतरा, बाहर पहुंचा, टैक्सी वाले से पूछा कितने पैसे? कहने लगा 200 रुपए लगेंगे। उसने कहा इतने? नहीं नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। सामान को लिया और चलने लगा। आधा रास्ता पार हुआ होगा कि तभी उसे फिर से वही टैक्सी वाला दिखा। उसने कहा रुको भाई रुको, अब बताओ मंदिर जाने के कितने रुपए लोगे? उसने कहा 400 रुपए। उसने कहा ये क्या बात हुई, आधा रास्ता तो मैं तय कर आया हूं। उसने कहा भाई साहब, आप मंदिर से उल्टी दिशा में आए हो, इसलिए 400 रुपए लगेंगे। अगर दिशा ही उल्टी हो जाए तो प्रयास सफल कैसे हो सकता है? दिशा क्या है? खोलिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण स्पष्ट करते हैं, नाहंग वैदैन तपसा न दानेन न चेज्यया, शक्यं एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मांग यथा। कि ना मैं वेदों के पठन पाठन से मिलता हूँ, ना तपस्या और दान से मिलता हूँ। हाँ, इनसे तुम मुझ तक कुछ कदम की दूरी तय करते हो, लेकिन मुझे पूर्ण रूपेण पाना है तो तुम्हें क्या करना होगा? जैसे आज तूने मुझे पाया है, ऐसा ही भक्त जब गुरु के चरणों में जाएगा, केवल तब ही मुझे प्राप्त कर सकता है। यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ तक पहुंचने का जो सरल मार्ग है, जो सही दिशा है, वो केवल मात्र गुरु हैं, सदगुरु हैं। धन्य हैं हम जिन्हें जीवन में ऐसा सदगुरु मिल गया। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का सानिध्य हमें मिल गया। सच मानिए, उस भगवान को हम भी खोजते थे, हम भी उसकी भक्ति करते थे, हृदय से पुकार उठती थी, प्रभु आप कहाँ हो, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? और तब इन कानों में संदेशा पहुंचा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का, तब इन कानों में सूचना पहुंची कि गुरुदेव भगवान का दर्शन करवाते हैं। हमने विलंब नहीं किया, जाकर उनका दर्शन किया, और देखिए भगवान का दर्शन कर जीवन कृतार्थ हो गया, भक्ति संपन्न हो गई, पूर्ण हो गई, हमारे सद्गुरु ने हमें ढूंढ लिया। कहते हैं सद्गुरु चरवाहे की भांति होते हैं,
और अपनी भेड़ों को चुन ही लेते हैं, ढूंढ ही लेते हैं। इसी रेफरेंस में श्री महाराज जी बहुत सुंदर दृष्टांत बताते हैं। कथा की सेवा के लिए जा रहे थे, श्री महाराज जी ने कक्ष में बुलाया और उन्होंने कहा, कथा के मंच से ये कहानी अवश्य सुनानी है। रामकृष्ण परमहंस माता काली के पुजारी थे, माँ की बहुत भक्ति करते थे। उनकी जैसी भक्ति तो हमारी भी नहीं होगी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ प्रकट हो जाती थी, जानते हो। लेकिन एक दिन उनके द्वार पर संत तोतापुरी जी आए और आकर रामकृष्ण परमहंस से कहा, आओ और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें भगवती के तत्व स्वरूप का दर्शन करवा दूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी कहते, माँ का दर्शन? वो तो मैं नित्य प्रति करता हूँ, माँ का स्मरण करता हूँ, माँ प्रकट हो जाती है। तोतापुरी जी ने कहा, नहीं, इस स्वरूप में नहीं, उस स्वरूप में जिस ज्योति स्वरूप में वो तेरे घट में भी विराजमान है। कहने लगे, मैं माँ से पूछूंगा। संत तोतापुरी जी ने कहा, पूछ लेना, मैं चलता हूँ। भीतर आए, माँ की भव्य मूर्ति के सामने खड़े हो गए, कहने लगे, माँ प्रकट हो। माँ प्रकट हुई। तोतापुरी द्वार पर आए थे, रामकृष्ण परमहंस ने सारी घटना कह सुनाई। उस समय जानते हैं भगवती ने क्या कहा? माँ ने कहा, रामकृष्ण परमहंस विलंब मत कर, जल्दी से जाकर दीक्षा ले ले। रामकृष्ण परमहंस तो आवेश में आ गए, कहने लगे, माँ अगर मुझे गुरु की शरण में ही जाना था तो तेरी भक्ति करने का फल क्या मिला मुझे? माँ ने कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो तूने मेरी भक्ति की, जो तूने मेरे दर्शन किया, जो उपासना की, पूजा की, आज उस उपासना का तुझे फल दिया है कि पूर्ण संत चलकर तेरे द्वार पर आया है। ऐसे होते हैं संत। विलंब मत कर रामकृष्ण, जाकर दीक्षा ले ले। और सच में रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षा ली संत तोतापुरी जी से। जिस भगवती को मूरत में ढूंढते थे, आज उसकी सूरत अपने अंदर देख ली, उस ज्योति स्वरूप का दर्शन कर लिया। ऐसे होते हैं सतगुरु, ऐसे हैं हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने हम सभी को ढूंढा है, हमारा चुनाव किया, हमें भगवान से जोड़ा और आज इस कथा के माध्यम से वो आपको भी ढूंढ लाए हैं। जो भी श्रद्धालु भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं, हम उन तक ये संदेश देना चाहेंगे कि आओ अपने जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति कर, अपने जीवन में उस परम तत्व का साक्षात्कार करो, उस भक्ति मार्ग के पथिक बन जाओ। धन्य है ऐसे गुरुदेव, हृदय से बस यही भाव उठते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में कि हे गुरुदेव आप धन्य हैं, हे गुरुदेव आप धन्य हैं, हे गुरुदेव आप धन्य हैं। आशा के साथ
कि आप सब प्रभु के श्री चरणों में बैठकर जिस कथा को सुन रहे हैं उस कथा के मर्म को अपने भीतर प्राप्त कर लेंगे, सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ वाणी को विराम दूंगी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। तो आइए, अब समय हो चला है प्रभु की पावन पुनीत आरती में सम्मिलित होने का। इसी के साथ आइए, जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं वह हैं श्री विष्णु भगवान तायल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती गायत्री तायल जी शक्तिनगर से, श्री सुनील जैन जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती ज्योति जैन जी शालीमार बाग से, श्री प्रवीण गर्ग जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अंजू गर्ग जी गुरुग्राम से, श्री विकास बजाज जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती माला बजाज जी पीतमपुरा से, श्री यशपाल बत्रा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुमन बत्रा जी पीतमपुरा से, श्री अविनाश बिहारी निगम जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अर्चना निगम जी विकासपुरी से, श्री सतीश गुप्ता जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती उषा गुप्ता जी त्रिनगर से, श्री गौरव गुप्ता जी एवं उनकी धर्म पत्नी गरिमा गुप्ता जी सेक्टर 3 रोहिणी से, श्री अतर सिंह लाकड़ा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्याम कौर लाकड़ा जी मुंडका से, श्रीमती शैली जैन जी पीतमपुरा से, श्री विजय कुमार जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सीता देवी जी परवेश नगर मुबारकपुर से, श्री ब्रह्म प्रकाश धवन जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रेखा धवन जी रानीबाग से, श्री राधे श्याम अरोड़ा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रेम अरोड़ा जी सेक्टर 9 रोहिणी से, श्री ब्रिज मोहन गौड़ जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती बबीता गौड़ जी बादली से, श्री रविंद्र गोयल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती आशा गोयल जी सेक्टर 13 रोहिणी से, श्रीमती जयमाला सिंह जी सेक्टर 16 रोहिणी से, श्री राजकुमार गोयल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रजनी गोयल जी पीतमपुरा से। आज के दिवस के जो उत्सव यजमान हैं वह हैं श्री विशु रस्तोगी जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती स्वाति रस्तोगी जी सेक्टर 14 रोहिणी से, श्री अशोक कुमार विज जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती ज्योति विज जी सेक्टर 3 रोहिणी से, लता धीर जी सेक्टर 15 रोहिणी से। और आज के जो दैनिक यजमान हैं वह हैं श्री बीरेंद्र नाथ सिंह मुंडा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सरुलता मुंडा जी सेक्टर 1 रोहिणी से, श्री मनोहर लाल शर्मा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुरेश शर्मा जी सेक्टर 1 रोहिणी से, श्री श्याम नारायण सिंह जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती बिंदा सिंह जी सेक्टर 3 रोहिणी से, श्री मुकेश कुमार जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रेखा जी सेक्टर 6 रोहिणी से, श्री प्रेम स्वरूप जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती किरण वर्मा जी सेक्टर 6 रोहिणी से, श्रीमती रजिंदर मठारू जी पश्चिम विहार से, श्रीमती नेहा सिंगल जी एवं श्रीमती ज्योति बंसल जी पीतमपुरा से, श्रीमती कमलेश देवी जी सेक्टर 16 रोहिणी से, श्रीमती उषा सिंह जी सेक्टर 19 रोहिणी से, श्री राम ललित साहू जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रीति साहू जी बुराड़ी से, श्री अभय सिंह जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कलावती देवी जी मंगोलपुरी से। आप सभी भक्तों से आग्रह कि प्रभु की पावन पुनीत आरती में सम्मिलित हो, और मंच पर समस्त साधु समाज से एवं साध्वी बहनों से आग्रह कि प्रभु की पावन पुनीत आरती का गायन करें।
तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। जय नरसिंह नारायण, जय नर हरि नारायण, जय नरसिंह नारायण, जय नर हरि नारायण, जय नर हरि नारायण, जय नर हरि नारायण। नरसिंह हरे रूप धरे, दीन जनों को बारो, आरती मंगल स्वीकारो। नरसिंह हरे रूप धरे, दीन जनों को बारो, आरती मंगल स्वीकारो। नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। हे त्रिपुरारी नमो नमः, सर्वरूपाय नमो नमः। हे त्रिपुरारी नमो नमः, सर्वरूपाय नमो नमः। नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। नरसिंह हरे रूप धरे, तीन जनों को उबारो, आरती मंगल स्वीकारो। ब्रह्म रूप हे सर्वेश्वर, प्रणत पाल हे जगदीश्वर। ब्रह्म रूप हे सर्वेश्वर, प्रणत पाल हे जगदीश्वर। सर्वाधारी मुक्तेश्वर, सर्वे सर्वा नमो नमः। सर्वे सर्वा नमो नमः। नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। हे त्रिपुरारी नमो नमः, सर्वरूपाय नमो नमः। हे त्रिपुरारी नमो नमः, सर्वरूपाय नमो नमः। नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। प्राणेश्वर योगेश्वर, भक्तन के रखवारे, हम आए शरण तिहारे। हे प्राणेश्वर योगेश्वर, भक्तन के रखवारे, हम आए शरण तिहारे। नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। हे त्रिपुरारी नमो नमः, सर्वरूपाय नमो नमः। हे त्रिपुरारी नमो नमः, सर्वरूपाय नमो नमः। नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। नरसिंहाय नरसिंहाय नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। हे नारायण नमो नमः, हे नारायण नमो नमः, हे नारायण नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सैन्यं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बिन्दुश्च सन्ना त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं